डायरेक्शन टेस्ट है ना, फिर आप लोगों के डाउट्स एक साथ देता हूं मैं, जो एक हाथ दो बचे होंगे। ठीक है यश, तो डायरेक्शन टेस्ट पे आ जाइए। तो डायरेक्शन टेस्ट में आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली ये अपना ग्राफ था जो आपको आना चाहिए था कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एन और ई के बीच में नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, एन और ई के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, एन और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। तो आई होप ये वाला पार्ट सभी को जमता है, स्कोरिंग टॉपिक है ना। अब कैसा होता है, कोई भी टर्न जब भी देना पड़ा अनलेस कुछ स्पेसिफाइड हो तो वो 90 डिग्री का होगा। तो आप लोग ईस्ट जा रहे थे, आपने राइट टर्न लिया, तो आप कहाँ जा रहे हो अभी बताओ? आप ईस्ट जा रहे थे, राइट टर्न लिया, तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? जैसे ये राइट जाके राइट, साउथ यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स राइट जाके राइट, कहाँ पे जा रहे हो? साउथ ईस्ट या साउथ साउथ? साउथ साउथ है ना, राइट जाके राइट। भले आप साउथ ईस्ट की तरफ दिख रहे हैं आपको, बट साउथ ईस्ट इज नॉट वो इलाके का नाम बेटा, साउथ ईस्ट मतलब वो बीच का एरिया, डायरेक्शन है वो, है ना। तो आप साउथ की तरफ जा रहे हो, आपको ये डायरेक्शंस बतानी होती है, नॉट द इलाका। तो एस ई जहाँ पे लिखा मैंने वो साउथ ईस्ट होते हुए गया, ऐसा नहीं है। साउथ ईस्ट मतलब इधर से कहीं दूर है, वो डायरेक्शन है उसकी। तो साउथ, राइट जाके लेफ्ट लिया तो नॉर्थ, लेफ्ट जाके राइट, लेफ्ट जाके राइट, फिर से नॉर्थ, लेफ्ट जाके लेफ्ट, साउथ, अप जाके राइट ईस्ट की तरफ, है ना, अप जाके लेफ्ट वेस्ट की तरफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये दो थे, डाउन जाके राइट लिया तो डाउन आने वाले का राइट टर्न इधर होगा, वो वेस्ट की तरफ जाएगा डाउन का राइट, और डाउन जाके लेफ्ट टर्न इस साइड होगा। ध्यान है आपको, नहीं तो एक छोटा सा टेडी बियर लेके उसे घुमा के देख सकते हो। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे, आपने राइट टर्न लिया तो वेयर विल यू बी गोइंग? इट इज नॉट ईस्ट, इट इज साउथ ईस्ट। समझा, ये जो डायरेक्शन है टेढ़ी वाली, नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे आपने राइट टर्न लिया तो जो डायरेक्शन आएगी टेढ़ी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ई से जा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, वो ई पहुंच गए भाई, राइट जाके राइट, ये तो ई पहुंच गए। ऐसा बहुत लोग गड़बड़ करते हैं एग्जाम में कि नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे, राइट टर्न लिया तो हम ई की तरफ पहुंच गए, ऐसा ई की तरफ नहीं पहुंचे बेटा। ई रिप्रेजेंट डायरेक्शन, नॉट द एरिया। ठीक है, आगे एक दुशादी का मैसेज ज्वाइन नहीं हो पा रहे, हम दो दो दुशादी है, सेम नाम सेम सरनेम वाली। चलो ये एक पार्ट था, बस इतना ही इसका थ्योरी था, बाकी तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, बाकी अपने को बनाना है क्वेश्चंस। ठीक है, राइट लेफ्ट बराबर लिखना, जब भी डिस्टेंस निकालने बोला था आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करोगे, शॉर्टेस्ट, है ना। अब अगर मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं, जैसे ये डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन है, ऐसा आप 60 गए, 20, 30, 80, आपको ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो आप शॉर्टेस्ट निकालोगे। कैसे निकाल पाओगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसा पाइथागोरस? अरे भैया ये अगर 30 है, टोटल 60 है, तो ये भी 30 हो गया, है ना। और नहीं, एक मिनट, ये टोटल कितना दिया था देखना पड़ेगा, ये 100 है और ये 90 है, 90 में से ये 30 तो ये 60, 100 में से ये 20 तो ये 80, तो 80 और 60 में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका डिस्टेंस 100 ढूंढ लिया, 100 पे टिक किया। डिस्टेंस आप ढूंढेंगे हमेशा शॉर्टेस्ट वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आगे हाँ, अभी और कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको अच्छे वाले। एक ही टर्न वाला नया क्वेश्चन था, आई एम फेसिंग वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फेस इधर था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए तो आप ऊपर की तरफ गए, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर आएगा, 90 प्लस 45, कहाँ पे? साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ। आपके एंगल से हमेशा बात होगी जो भी होगी, मतलब बुक को एंटिटी नहीं मानेंगे, खुद को, अपना राइट, ये अपना ईस्ट, अपना राइट, अपना लेफ्ट, अपना वेस्ट, एंड सो ऑन। अब अगर मैं थोड़ा स्टार्टिंग पे आ जाऊं, अब इसमें ये क्वेश्चन थे जो आप सन के आजू बाजू खड़े होकर बात करते हो,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह 6 बजे जब सनराइज होता है तो 12 बजे तक के सन ऐसा ट्रेवल करता है ऊपर की तरफ, 6 बजे से लेके 12 तक, नून जो बोलते हैं ना, नून पे एग्जैक्ट सन ऊपर होता है अपने वर्टिकली ऊपर। तो शैडो, सन सन इधर है अगर, तो इसकी शैडो ना इस साइड बनेगी बेटा, उस साइड जो रेज अपने बॉडी से पास नहीं हो पाती वो शैडो बनाएगी। अब 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे जब तक सनसेट होगा, तो आपकी जो शैडो है, सन इधर है तो शैडो उस साइड में बनेगी, शैडो उस साइड में बनेगी। आई होप दिस इज ओके। इसके भी अलावा सुबह कोई आदमी सन की तरफ चला, मतलब किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट, सुबह कोई आदमी सन को बैक दिखा के चल रहा है, मतलब वो वेस्ट जा रहा है। शाम को कोई आदमी सन की तरफ गया, मतलब वेस्ट गया। शाम को कोई आदमी सन को बैक दिखा रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है। आई होप दिस इज ओके जो मैंने अभी बोला, है ना। हेलो जमा बेटा, इतना जो बताया अभी। यस सर, थोड़ा इसी में कंफ्यूजन होता कभी कभी। हाँ अभी सुनो ना बेटा, पूरा सुनो, फिर आपके सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब क्या होता है, जब दो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ईस्ट वेस्ट बात कर सकते हैं, सॉरी नॉर्थ साउथ बात कर सकते हैं, या ईस्ट वेस्ट बात कर सकते हैं। अगर दो लोग ऐसे ईस्ट वेस्ट खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो एक की शैडो दूसरे के पीछे जाएगी, दूसरे की शैडो शैडो पहले के पीछे, ऐसा, सॉरी दोनों की शैडो एक ही के पीछे जाएगी कभी भी, क्योंकि सन तो एक ही साइड है ना। दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो रेज इधर से आई तो शैडो यहाँ बनेगी, रेज इधर से आई तो शैडो यहाँ बनेगी, ठीक है। मगर जनरली अपने को जो क्वेश्चन है वो है नॉर्थ साउथ बात कर रहे, जैसे कि आप और मैं, ईस्ट वेस्ट अपना ऐसा है आजू बाजू अपने राइट लेफ्ट की तरफ, अपन कैसे बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ। तो क्या होगा, सुबह के टाइम ना शैडो हमेशा इधर साइड बनेंगी, शैडो हमेशा इधर साइड बनेंगी। अब उसने बोला कि शैडो उदय के लेफ्ट में बनी, अभी नीचे वाला उदय है, तो उदय का लेफ्ट मतलब ये उदय हो गया, सॉरी नीचे वाले के लेफ्ट में बनी, तो उसका नाम उदय क्यों हुआ, क्योंकि उसके लेफ्ट में बन रही है एंड उदय के लेफ्ट में बनती है शैडो। इसके राइट में शैडो बन रही है, हर्षल के राइट में बनती है, इसलिए इसका ऊपर वाले का नाम हर्षल हो गया। तो नीचे वाला वो ऊपर नीचे नहीं है एक्चुअली, हर्षल जो है वो अपने को देख रहा है, जो आपको हेयर दिख रहा है, आंखें नहीं दिख रही, वो हर्षल को देख रहा है सामने सामने। तो जमा आपको फंडा, सुबह के टाइम क्या होता है, शैडो हर्षल का राइट, उदय का लेफ्ट, तो जिसका लेफ्ट वो नीचे वाला हो गया, जिसका राइट वो ऊपर वाला हो गया। ये अपना शैडो वाला क्वेश्चन था, सर्कल में भी वैसे ही था। अब ये घड़ी को उल्टा रख दिया था, तो टाइम मिनट कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, पांचवें क्वेश्चन में था ना ऐसा। सेवन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, दो कार स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस, याद होगा आप सभी को। तो एक मिनट ना, स्क्रीन अटक गया है, आएगा। आकाश तुम कैसे आए बेटा यहाँ पे? हाँ आकाश, यस सर, आप कैसे आए बेटा यहाँ पे ये मीटिंग? सर टीम सेप के थ्रू। अच्छा नहीं, आप दिख नहीं रहे थे यहाँ पे, मैंने आपको फिर इनवाइट भेजा था, तो इनवाइट से ही आए कि वैसे ही आ गए थे, ऐसा पूछ रहा हूँ। यस सर, इनवाइट से आया सर। सर मैं 3-4 बार ट्राई किया सर, कॉल एंडेड बता रहा था, मेरे को लगा सर स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, आप पुरानी मीटिंग में अटके हुए थे एक्चुअली, सर। सर मतलब मैं होता है। अभी 3-4 बजा के था। चलो कोई बात नहीं, आप आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छा है। हाँ शिवम बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो शिवम? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, दो कार अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करती है, पहली नहीं सर, कार गलती। रन्स फॉर 25, टेक्स अ राइट टर्न, देन रन्स 15, टेक्स लेफ्ट टर्न, क्या था, 25 टेक्स अ राइट टर्न, रन्स 15, टेन टर्न्स लेफ्ट, रन्स फॉर अनदर 25, टेक्स डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। दूसरी कार सिर्फ 35 चली उसी रास्ते पे, दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना है ना, अपोजिट प्लेसेस से आए थे, तो ये 25 और 25 50 हो गया, इधर का 35 हो गया, 150 में से ये 50 और 35 माइनस किया तो बीच का पिंक पार्ट आ गया था आपका 65। ये एक फेमस क्वेश्चन है, बस इसलिए करवा दिया, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है डायरेक्शन में।
हाँ और बोलो बेटा, कोई किसी को डाउट तो बताइए। बोलो शिवम क्या बोल रहे थे आप, बोलो बेटा। सर वो गलती से रिजाइन हो गया था। कोई बात नहीं। एक शाम को जया और हेमा एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरी बुक का, एक और हो जाए ऐसा। ये शाम का क्वेश्चन है। एक शाम को जया हेमा 9th क्वेश्चन में एक दूसरे से बात कर रहे थे फेस टू फेस। हेमा का शैडो एग्जैक्टली राइट ऑफ हेमा, अभी वापस हेमा के राइट में शैडो गया। अब देखो एक्चुअली शाम के टाइम शैडो कहाँ जा रहा है, नीचे वाले के राइट में जा रहा है और ऊपर वाले के लेफ्ट में। नीचे वाले के राइट में तो नीचे वाली हेमा क्यों हो गई, क्योंकि हेमा के भी राइट में जा रहा है, तो नीचे वाली हेमा तो ऊपर वाली जया। ठीक है, इजी है ना। हाँ बोलो। ये एक और क्वेश्चन देखो, फिर अपन देव अपने को कुछ क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, मैन वॉक्स टू टूवर्ड्स नॉर्थ टर्न्स राइट टर्न्स टू ईस्ट वॉक्स 10, उसके बाद वो नॉर्थ जाता है 3 किलोमीटर ऑफ ईस्ट 2 किलोमीटर जाता है, कितना दूर है वो घर से। अब कुछ लोग इसमें गड़बड़ करते थे कि ना वो पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं और फिर ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो आंसर गलत आता है, क्योंकि डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट होना ना, ये ऑरेंज वाला डिस्टेंस, ऑरेंज वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो हाइपोटेनियस को ऐड नहीं करना है, पूरा एक साथ ऐड करना था, ये क्वेश्चन की खासियत थी। पूरा कैसे करेंगे, तो ये ब्लू वाला कितना हो गया था 10 और 2 12, ये 2 और 3 5, 12 और 5 के लिए इतना कितना आता है, 13 आता है एसी ऑरेंज वाला। ये क्वेश्चन यूनिक था। बोलो बेटा आप कुछ कह रहे हो देव। नहीं सर, मैं तो हैंड रेस भी नहीं किया। नहीं क्या, ठीक है। ये देखो एक आदमी ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसने राइट टर्न 90 डिग्री कर दिया, तो वह ऐसा जाएगा एग्जैक्टली डाउन, ईस्ट से डाउन की तरफ 90 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा होगा और 135 डिग्री ऐसा यू टर्न के समान होगा। कहाँ पे 135 बनेगा, यहाँ पे नहीं बेटा, ये जो मार्क किया अभी वहां पे नहीं, जहाँ पे 135 लिखा है वही पे, ऑब्वियसली वही पे ना। तो जो लाइन पे वो जा रहा था वहां से कितना डेविएट हुआ उसको एंगल बोलते हैं। जो लाइन में आप जा रहे थे वहां से कितना डेविएट हुआ वो आपका एंगल हो गया। ये एक अलग ही क्वेश्चन था बस। यूनिवर्सिटी कहाँ पे, एक ही जगह थी उसके लिए, एक जगह हॉस्पिटल थिएटर, तो तीसरे पे यूनिवर्सिटी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जो आपको डाउट है, टेस्ट सीरीज का कोई डाउट? इसमें मेजरली 3 क्वेश्चन आते थे, कैसे, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट, इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट, दोनों में फर्क था, याद है कि नहीं। इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट, कहां चलना शुरू किया था, ईस्ट, कहां पे गया था बेटा, नॉर्थ की तरफ। विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट, नॉर्थ की तरफ। और अब वो यहां पे पहुंच चुका है इस पॉइंट पे, जो मैंने राउंड बनाया वहां पहुंच गया। तो फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट, साउथ वेस्ट से मैंने स्टार्ट किया था। इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट, साउथ वेस्ट से स्टार्ट किया था। समझा कुछ क्या हुआ बेटा? हेलो हेलो, yes, कुछ बोल पा रहे? यस सर, 20 वाला दिखाना। अच्छा, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, तो आंसर नॉर्थ है, क्योंकि वो नॉर्थ जा रहा है अभी, है ना। विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग, वो भी नॉर्थ है। वेयर एम आई, फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है अपन। वेयर एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, नॉर्थ ईस्ट, ऊपर का डायग्राम देखना, ये जो ऊपर का बना हुआ है, स्टार्टिंग प्लेस से किधर है, नॉर्थ ईस्ट। और सिर्फ वेयर एम आई बोला तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वेयर एम आई, तो भी आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। स्टार्टिंग प्लेस से, सिर्फ वेयर एम आई बोला तो वो बात स्टार्टिंग प्लेस से ही कर रहा है, स्टार्टिंग प्लेस बोला या नहीं बोला, बात स्टार्टिंग प्लेस से ही हो रही है। कुछ बात समझ में आई बेटा? हेलो, हाँ yes, कोई कुछ बोल रहा था अभी, बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। 20 वाला क्वेश्चन, 20 वाला, हाँ बोलो बेटा। इसमें देखना था बस। अब ये क्वेश्चन था, a into b means a is south of b, बस ऐसे में दो क्वेश्चन आते हैं, a into b, a is south of b, या b is south of a। तो a into b को a से b पढ़ा कि b से a पढ़ा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। a into b को a से b पढ़ा गया है कि b से a पढ़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये a into b, a is south of b, और एक एक अपन ने पढ़ा कैसे इसको,
पहले पी और क्यू को पढ़ा था, फिर क्यू और आर को पढ़ा था, उसके बाद आर एंड एस को पढ़ा था, तो अपना काम ऐसे बनता गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है पूर्वा ने, मैं वो बता देता हूं। क्वेश्चन है कि राजू इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 100 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राजू ईस्ट की तरफ देख रहा था, टर्न्स 100 क्लॉकवाइज, 190 से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, ये 90 है ना, तो ये 100 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हुआ इस साइड। ठीक है, एंड 135 डिग्री 90 क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से रेड कलर से मैं 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनाऊंगा, 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब इस ऑर्डर यहां पे जाना है। तो यहां पे पहुंच गए अपन, यहां पे 100 हो गया, 100 के बाद 45 से थोड़ा कम ये डायरेक्शन, तो ये हो गया इसका एंगल कितना, एंटी क्लॉकवाइज कितना बोला था बेटा, 145 है बराबर, 100 और 45 करना है ना, 145 है बेटा, मैंने 135 पढ़ दिया था, तो ये ना 145, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया 145 डिग्री, 100 ट्रेवल और 45 एक्स्ट्रा का। विद डायरेक्शन इजी फेसिंग नाउ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आंसर हो गया आपको वाइज का, है ना। तन्वी का एक क्वेश्चन है, संतोष आशीष संजीत अनिकेत प्रशांत स्टैंडिंग लाइन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, प्रशांत इन साइड 20 मीटर्स लेफ्ट ऑफ संजीत। ठीक है, क्या बोला, सब लोग एक लाइन में है फेसिंग नॉर्थ, प्रशांत इज स्टैंडिंग 20 लेफ्ट ऑफ संजीत, प्रशांत 20 लेफ्ट ऑफ संजीत, अनिकेत इज स्टैंडिंग 20 राइट टू प्रशांत। अरे सब लोग नॉर्थ देख रहे, प्रशांत स्टैंडिंग 20 लेफ्ट ऑफ संजीत, अनिकेत 20 राइट ऑफ प्रशांत, तय नहीं, एंड 50 राइट ऑफ संजीत। बेटा यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है क्वेश्चन में, है ना, समझा गड़बड़ क्यों है, क्योंकि सभी लोग स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, सर ये क्वेश्चन गलत है, आपने बताए थे गलत है बेटा। हाँ और बोलो यश, तुम्हारे बहुत सारे, तुम एकदम मुझसे ना क्लास के एंड में पूछना, क्योंकि अब सब लोगों को रुकना पड़ेगा ना उतनी देर आपके लिए, जब एंड कर देंगे तब सारे क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा तुम कौन सी बैच वाले हो यश? दिसंबर 19। ओके ओके, वो वाले यश हो गया तुम। ठीक है, और बोलो बेटा, डायरेक्शन में कोई हो, कुछ और है नया अपना, जो नया टाइप हो कुछ हो, देख लो बेटा एक बार, पन्ने पलटा दो, पूछ लो, कोई ऐसा लग रहा है आपको बताना चाहिए मैंने। इजी है ना डायरेक्शन टेस्ट, आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे डायरेक्शन में अब तक, ऐसा मुझे लगता है, नहीं क्या? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वो डायरेक्शन पोल वाला बताइए ना। हाँ कहाँ गया डायरेक्शन पोल, नंबर बोलो। 46 नंबर सर। A direction pole was in the crossing. Due to accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. ठीक है? तो क्या हुआ बेटा? इसमें ना pole जगह, वो pointer जगह पे ही है, बस आपका pole turn हो रहा है। तो pointer पर east दिखाता था, pointer जगह पे, और क्या हो गया? पट्टी ऐसी घूम गई, नीचे का डायग्राम देखो, पट्टी ऐसी घूम गई कि अब उसने साउथ दिखाना शुरू कर दिया pointer ने, क्योंकि साउथ वाला ऊपर आ गया। तो एक आदमी गलत डायरेक्शन में गया वेस्ट समझते हुए, उसने पढ़ा वहां पे वेस्ट लिखा है, तो वेस्ट में गया वेस्ट पढ़ के, बट गया यानी डाउन की साइड जा रहा है वेस्ट पढ़ के, मगर एक्चुअली में कहां जा रहा है वो, साउथ जा रहा है। समझे क्या जयेश? यस सर। हाँ और बोलो। और किसी का कुछ है इसमें, बताओ आगे बढ़ू मैं आगे?
सर 55th बता दो एक बार. हां 55th बता दो. Man was facing east, he took 3 paces towards right, walked 2 and then turned right again, took 3 paces and turned his right. आखिरी टर्न के पहले कहां पे फेस कर रहा था वो? ये आखिरी टर्न यहां पे दिया ना उसने सर्कल में, तो उसके पहले कहां फेस कर रहा था? वो वेस्ट में फेस कर रहा था. आखिरी टर्न के बाद नॉर्थ गया. None of these. और बोलो बेटा किसी का कोई सवाल यहाँ पे? ठीक है तो ये क्लोज करते हैं डायरेक्शन, हम लोग आगे बढ़ते हैं. दो बच्चे अपने सिलोजिज्म और सिटिंग. ठीक है पहले सिलोजिज्म पे आते हैं. तो सिलोजिज्म मैंने आपको कुछ लिखवाया था, थ्योरी याद है? ये तो अपने स्टेटमेंट्स लिखे थे थोड़े बहुत कि भैया ऑल बॉयज आर ह्यूमन, ऑल इज क्वांटिफायर. ये अब इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए क्योंकि ये उसने कभी पूछा ही नहीं आज तक के, उसने ना आज तक के पूछा ही नहीं, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बट फिर भी एक बार शॉर्ट में क्वांटिफायर, ऑल सम फ्यू नन, ये सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, आर इज द कनेक्टर ह्यूमन प्रेडिकेट, जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं. चार टाइप के स्टेटमेंट, ए ई आई ओ, ऑल बॉयज आर ह्यूमन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, नो बॉय इज ह्यूमन, यूनिवर्सल नेगेटिव, ई टाइप, सम आर ह्यूमन सम आर नॉट ह्यूमन, तो आई टाइप एंड ओ टाइप, पर्टिकुलर अफर्मेटिव पर्टिकुलर नेगेटिव. पर्टिकुलर क्यों? कुछ की बात हो रही है. एक ऑल होता है, एक नन होता है, और बाकी सब वर्ड बीच के ही होते हैं, फ्यू मेनी. अब फ्यू कुछ होता है, मेनी बहुत सारे होता है, बट एनीथिंग विच इज मोर देन जीरो एंड लेस देन ऑल, वो सब एक ही है इस चैप्टर में. ठीक है. अब इन्फ्लुएंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इमीडिएट विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल स्टेटमेंट. इमीडिएट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल स्टेटमेंट, जैसे ऑल बॉयज आर ह्यूमन का कंक्लूजन क्या लिखे थे अपने, सम ह्यूमन आर बॉयज, है ना, क्योंकि सभी बॉयज ह्यूमन है, तो कुछ ही ह्यूमन बॉयज हुए क्योंकि कोई और भी ह्यूमन हो सकता है जैसे गर्ल्स. मीडिएट क्या था? मीडिएट ड्रॉन फ्रॉम टू स्टेटमेंट, ऑल आर ह्यूमन, ऑल ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ, तो सारे बॉयज भी अर्थ पे रहते होंगे. ये सबके वेन डायग्राम्स थे, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट. हमने वेन डायग्राम मेथड यूज नहीं किया, हमने मेरी वाली मेथड यूज किया था, आपको याद होगा. तो कैसा था इसमें? मेजरली अपन ये कंक्लूजन याद करते थे. पहला, ऑल बॉयज आर ह्यूमन का कंक्लूजन, सम ह्यूमन आर बॉयज. सेकंड, सम बॉयज आर सी ए का कंक्लूजन, सम सी ए आर बॉयज. थर्ड सेंटेंस, नो बॉयज सी ए का कंक्लूजन, नो सी ए इज बॉय. अब नोट क्या लिखवाया था? पक्का होगा तो ही थ्रू पिटिक करना, शायद है या हो सकता है फॉल जाएगा. There might be 10-10 possibility एक ही क्वेश्चन में कि 10 सिनेरियो बन सकते हैं. अगर 10 सिनेरियो बनते हैं तो 10 के 10 सिनेरियो में ट्रू होगा तो ये आप ट्रू लिखेंगे, नहीं तो आप कहाँ पे टिक करोगे? फॉल्स पे. 10 में से 10 के 10 सिनेरियो में ट्रू आएगा तो ही ट्रू पे टिक करेंगे, नहीं तो फॉल्स. ठीक है बेटा. अच्छा तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, याद है किसी को? मेरी स्ट्रैटेजी होती है केवल एक को फॉल्स प्रूफ करना. मेरी स्ट्रैटेजी होती है केवल एक को फॉल्स प्रूफ करूं, कि उससे क्या होगा? एक को फॉल्स करने से क्या होगा? एक भी फॉल्स हो गया तो सारे फॉल्स हो गए, क्योंकि हर केस में ट्रू नहीं है तो ट्रू नहीं होता. ठीक है. लेकिन एक क्वेश्चन था स्पेशल मेरी बुक में, वो क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है वाला, उसमें क्या था, क्या कोई पॉसिबिलिटी है? याद है किसी को? एक ट्रू तो सब ट्रू, एक भी ट्रू तो चांस है क्या? एक भी ट्रू तो सारे ट्रू हो जाते हैं वो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में. तो उस केस में मेरी स्ट्रेटेजी होती है एक ट्रू का केस ढूंढना, एक भी ट्रू ढूंढा तो ट्रू हो जाता है. और इन जनरल अभी तक के वैसे पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आया नहीं, वो बस मेरे नोट्स में है. एक्चुअली एग्जाम में कभी नहीं आया, आ सकता है, वी डोंट नो. हम लोग प्रिपेयर्ड है, बस अच्छे से पढ़ा है हमने सब. बाकी केस में 10 सिनेरियो है, एक भी फॉल्स का ढूंढना तो फॉल्स कर देता हूं मैं उसे, क्योंकि ट्रू तभी होगा जब हर एक में ट्रू होगा. तो ये बस ध्यान रखना, मैं जनरली फॉल्स के हिसाब से उसके डायग्राम्स बनाता हूँ. डायग्राम कैसे बनाता हूँ मैं? एक के नीचे एक लिखता हूँ, याद है? एक के नीचे एक लिखता हूँ. कहाँ गया बताता हूँ आपको. अब इसमें ना अपन ने मेजर ये पांच चीजें देखी. पहला, आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, आपको कंक्लूजन्स बताने होते हैं, स्टेटमेंट्स के बेस पे आपको कंक्लूजन्स बताने होते हैं. ठीक है. अब
कंक्लूजन के टाइप्स वो भी अपने पास पांच थे, अरे पांच टाइप थे अपने को। पहला था आपको दो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, एक या दो दो कंक्लूजन्स दिए रहेंगे, अगर सिर्फ पहला सही है दूसरा फॉल्स है तो ओनली वन फॉलोस करना, पहला गलत दूसरा ट्रू तो ओनली टू फॉलोस करना, दोनों गलत तो नाइदर, डी वाला डी फॉर दुबई नाइदर, और दोनों सही है तो ई वाला बोथ, ठीक है। अच्छा ये आइदर कब टिक करते, आइदर जब पहला भी फॉल्स आता है दूसरा भी फॉल्स आता है, तो नाइदर पे टिक करने से पहले आइदर भी एक बार चेक करना, क्योंकि फॉल्स फॉल्स में एक स्पेशल सिनेरियो बनता है। कैसा सिनेरियो भैया, राम वॉचेस मूवी, राम मूवीज देखता है, तो राम इज अ क्रिकेटर, फॉल्स वी डोंट नो, राम इज नॉट ए क्रिकेटर ये भी फॉल्स, वी डोंट नो दैट ऑल्सो, दोनों भी नहीं पता, मगर राम क्रिकेटर होगा तो नॉट क्रिकेटर फॉल्स हो जाएगा, राम क्रिकेटर फॉल्स तो नॉट क्रिकेटर ट्रू हो जाएगा, ये टी एफ एफ टी का केस बनता है, तो इसलिए इस पे आइदर वाला केस अपन टिक करते हैं। मगर आइदर की पॉसिबल, आइदर तभी टिक होता है जब वो पहले नाइदर हो चुका है, जब वो एन एन हो चुका है, सॉरी फॉल्स फॉल्स हो चुका है, फॉल्स फॉल्स होने के बाद ही आइदर केस बन सकता है। एक बार एक क्वेश्चन था उसमें क्या था, पहला कंक्लूजन ट्रू दूसरा कंक्लूजन फॉल्स, सेम राम इज अ क्रिकेटर राम इज नॉट क्रिकेटर मी, इसी में मान दो ना ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो आप इसको कैसे टिक करेंगे, ए बी सी डी ई बताओ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स काय पे टिक करेंगे आप, ए बी सी डी ई बोलो, राम इज अ क्रिकेटर राम इज नॉट क्रिकेटर बोलो, ए ए पे टिक करेंगे, इसको आप आइदर मत बनाना क्योंकि वो बहुत अच्छे से आइदर दिख रहा है, राम क्रिकेटर राम नॉट क्रिकेटर आइदर में जाता है, आइदर नहीं होगा, ये पहले ही ए हो गया। आइदर कब होता, दोनों फॉल्स फॉल्स है तभी आइदर चेक करने के लिए घर से निकलना, नहीं तो घर से निकलना ही मत बेटा, समझ रहा है, एक बार वो एफ एफ हुआ तभी आप आइदर चेक करने निकलना, नहीं तो आइदर की तरफ देखना भी नहीं। कुछ बात समझी क्या बेटा किसी को, हेलो, यस सर, ओके। अभी आपने लिखने का तरीका है, कैसा लिखते हैं अपन, ऑल फील्ड्स आर पॉन्ड, तो मैंने दो फील्ड बनाया और एफ के नीचे पीपीपी लिख दिया, पॉन्ड बना दिया। अब पॉन्ड ट्री नहीं है तो ट्री को मैंने पॉन्ड से दूर कर दिया, ट्री को मैंने पॉन्ड से दूर कर दिया, उसके नीचे नहीं लिखा, अगर पॉन्ड के नीचे ट्री दिखता तो पॉन्ड मेरा ट्री बन जाता, क्योंकि मैं ऐसे लाइन में पढ़ता हूँ, वर्टिकली पढ़ता हूँ, वर्टिकली, ठीक है। सम ट्रीज आर हट्स, इस ट्री को हट बना दिया, ऑल हट्स आर गोट, कोई और भी गोट रह सकता, सम गोट आर फील्ड, ये गोट यहाँ पे है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं दिखूंगा तो गोट फील्ड गलत हो जाएगा, इसलिए उसे फॉल्स किया, नो गोट इज फील्ड, कोई गोट फील्ड नहीं है, इसे इसलिए फॉल्स किया क्योंकि यहाँ पे अगर गोट रही तो गोट फील्ड हो रही है ना, सम गोट्स आर ट्रीज, सम गोट्स ट्रीज पक्का रहेगी क्योंकि एक ट्री है जो हट है, हट पक्का गोट है, तो वो ट्री गोट हुआ, गोट भी ट्री हुआ। तो वन और टू में आइदर क्यों लगा, कोई बताएगा वन और टू में आइदर क्यों लगा, क्योंकि दो जी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, ए फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, कोई एक केस तो पक्का होगा दोनों में से, टी एफ एफ टी के समान, दोनों एफ एफ था तो नाइदर करने से पहले मैंने एक बार आइदर चेक करना जरूरी समझा, ठीक है। जमा बेटा सभी को, सर का फर्स्ट कंक्लूजन एक बार फिर, इसका क्या बोले बेटा, फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट क्या है, सम गोट्स आर फिल्ड कहता है वो, तो अगर यहाँ पे गोट बनाऊंगा ही नहीं मैं पहली वाली, ये तो मैंने बनाया ना जबरदस्ती राउंड वाली गोट, तो गोट फिल्ड तो दिख ही नहीं रही है, गोट इज नॉट फिल्ड दिख रहा है ना, तो इसलिए पहला वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। सर ये वाले आंसर में ओनली थ्री फॉलोस क्यों नहीं है बेटा, एफ एफ के बाद ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन आइदर चेक करने के लिए जाए, है ना, आइदर चेक किया तो आइदर निकला, इसलिए नाइदर पे टिक नहीं, मतलब ये थ्री पे नहीं दिखा, तो है वन और टू में आइदर पे टिक कर गया, ठीक है बेटा, ठीक है ना देव, हाँ हाँ सर ठीक, हाँ माइक ऑफ कर लो, हाँ गुड। अब ये देखो एक पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया, ब्लेड शार्प है, सम ब्लेड्स आर ब्लंट, नो ब्लंट इज अ स्वॉर्ड,
स्वॉर्ड को ब्लेंड से दूर बनाया। अब वो तो ऑल स्वॉर्ड के ब्लेड होने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सारे स्वॉर्ड के ब्लेड होने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो देखो ये स्वॉर्ड, एक ही स्वॉर्ड बनाया यहाँ पे क्योंकि उसे सिर्फ ब्लेंड से दूर बनाना था, अब वो ब्लेड बन गया, तो यस पॉसिबिलिटी तो है। एक हाथ सिनेरियो 10-100 या 10-50 जो भी सिनेरियो होंगे, एक में तो बना दिया इसलिए वो ट्रू हो गया। सम मेबी, मेबी का मीनिंग क्या होता है? मेबी भी पॉसिबिलिटीज है। और एटलीस्ट सम, ये एटलीस्ट वर्ड को तो इग्नोर ही कर दो सीधा सीधा, एटलीस्ट का कोई सेंस ही नहीं बनता। एटलीस्ट सम इन्हें सम ही हो गया ना, सम ब्लेड्स मे बी स्वॉर्ड, सम ब्लेड स्वॉर्ड यस व्हाई नॉट, पॉसिबिलिटी मे बी, पॉसिबिलिटी में यस। ऑल स्वॉर्ड्स आर ब्लेड, ऑल स्वॉर्ड्स आर ब्लेड, देखो ऑल स्वॉर्ड्स आर ब्लेड। अच्छा ऑल स्वॉर्ड्स आर ब्लेड इसमें नहीं दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। एक ही फॉल्स का केस तो उसे मैंने फॉल्स कर दिया, समझा क्या फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस? ऊपर पूछा क्या कोई पॉसिबिलिटी है, एक ट्रू वाला ढूंढा, नीचे पूछा थर्ड में सभी है, सभी है बोला बट नहीं फर्स्ट सिनेरियो में नहीं है, तो इसलिए उसे फॉल्स प्रूफ कर, फॉल्स लिख दिया। जमा बेटा क्या बोला? हेलो हेलो मैन, यस सर, यस सर। अब इसमें ऐसा कभी नहीं आया कि कंक्लूजन दिया है स्टेटमेंट ढूंढो, और ये 17 जो टाइप है इस टाइप के भी नहीं आए कि जैसे 18 भी हो गया कि भैया कौन सा फॉलो होता है, पहले दो के बाद तीसरा फॉलो होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है ना, इन ईच क्वेश्चन सेट ऑफ सिक्स स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय फाइव चॉइसेस, थ्री स्टेटमेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज द फर्स्ट टू, यानी आप पहले दो को स्टेटमेंट मानो तीसरा कंक्लूजन आता है क्या? जैसे सीडीबी में सीडी देखो, सीडी को स्टेटमेंट मान लो और बताओ कि क्या उसका कंक्लूजन भी आ सकता है क्या? ऑल रेड ब्लैक, ऑल ब्लैक व्हाइट, तो क्या ऑल रेड व्हाइट हो गए? यस सीडीबी फॉलो होता है, सारे रेड ब्लैक है, सारे ब्लैक व्हाइट है, तो क्या सब रेड व्हाइट हो गए? हाँ हो गए, सीडीबी फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन थे ना, कंक्लूजन दिया था क्वेश्चन नंबर 21, आपको स्टेटमेंट पूछा था, ऐसा आने के चांस एकदम नेग्लिजिबल है बट बी प्रिपेयर्ड। तो क्या था, सम किड्स आर रॉयल, तो मुझे ऑल रॉयल किड दिखा, तो इससे क्या होता है सम किड्स आर रॉयल, नो किड इरेजर, तो नो इरेजर किड, तो ये डी बैठ जाता था, डी के दोनों स्टेटमेंट के कंक्लूजन ऊपर वाले हैं जो दिए थे, तो इसका डी आंसर हो गया। ऐसा आपको सभी चेक करने हैं एग्जाम में, ऑप्शन मेथड से बना देना स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। बोलो बेटा रिजल्ट में आपको क्या डाउट है? एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो सब जमे के टेस्ट सीरीज के, वो एकदम एग्जाम कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जैसे कि टेस्ट सीरीज में आए थे, तो उसमें किसी को कोई डाउट दिक्कत तो बताओ, टेस्ट सीरीज के सारे जम गए थे आप लोगों को? यस मैम। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये 30 यही बुक के क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन में पूछना था। 38? यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे इसमें नॉर मींस दोनों जो हमारे कंक्लूजंस है वो फॉल्स आते हैं। हाँ हाँ। सर फिर इसमें जैसे नो रेक्टेंगल इज स्क्वायर बोला है, ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी, तो सर ये आइदर केस में इसको नहीं कंसीडर करेंगे? नहीं, इन दोनों का मीनिंग भी एकदम अलग हो गया ना बेटा, कि वो पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया तो इसमें आइदर चेक ही नहीं कर पाएंगे ऐसा, है ना? ओके सर। यस सर। पिया ने क्वेश्चन पूछा है, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन स्टेटमेंट्स मार्क द कंक्लूजन एज इफ इट इज नेसेसरी, read drawn from two statements if it is drawn far drawn only far drawn conclusion is consistent with two given statement, a conclusion drawn from two given statement marks the conclusion as if it is necessary following the two statements. ha paida wala beta sir mujhe question hi nahi samjha wo kya puch raha hai ha उसने बोला कि हिंदी में बताओ तो कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन स्टेटमेंट्स मार्क द कंक्लूजन एज इफ इट इज नेसेसरी ड्रॉन फ्रॉम टू स्टेटमेंट्स, दोनों से ड्रॉ ही होगा ना कंक्लूजन, तो ऐसा। हाँ सर, बट सर उसने जो स्टेटमेंट दिया उसमें वो क्या बोल रहा है?
ओवर सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री एंगल ए 90 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना एंगल बी इज 45 नहीं जरूरी नहीं है बेटा ऐसा हाँ वही सर हाँ ऐसा नहीं होता एक 90 है तो बाकी अलग अलग रह सकते ना क्यों नहीं रह सकते ना हाँ सर वो जान दो ऐसी थेरी वेरी वैसी आती नहीं और okay, प्रिया ने बहुत मेहनत करी इस बार थैंक यू सर तो 34 बोलो बेटा कौन सा जयेश सर 34 हाँ 34 स्टेटमेंट दिया है कंक्लूजन पूछा है तो सम फोर्क्स आर स्पेड कुछ फोर्क को स्पेड बना दिया दो को सम स्पेड आर नॉट शॉवल शॉवल को स्पेड से दूर कर दिया और चीजें अच्छा एक शॉवल यहाँ भी आ सकता है क्योंकि सम को नहीं बनाना है शॉवल तो दो को नहीं बनाया और एक हाथ को शॉवल मैंने दो केस बनाए एक में रखा एक में नहीं और चीजल आर शॉवल चीजल को शॉवल बना दिया ठीक है नो पोटैटो चीजल पोटैटो को चीजल से दूर किया अब मैं अपनी जरूरत के हिसाब से उन सबको मूव करूंगा सम शॉवल आर नॉट पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी सम शॉवल नॉट पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी यस देखो एट लीस्ट वन चीजल इज अ स्पेड इज अ पॉसिबिलिटी चीजल का स्पेड होना पॉसिबिलिटी है क्या तो चीजल का स्पेड होना तो अगर मैं यहाँ चीजल बना दू तो चीजल चीजल क्या था वैसे चीजल शॉवल था अगर यहाँ पे शॉवल बनाओ यहाँ पे चीजल बनाओ तो चीजल का स्पेड होना पॉसिबिलिटी है बिल्कुल है और पोटैटोस आर शॉवल पोटैटो का शॉवल होना चांस है क्या पोटैटो चीजल नहीं है चीजल शॉवल है अब एक्स्ट्रा शॉवल रहा जो कि पोटैटो है तो पोटैटो का शॉवल होना एक पॉसिबिलिटी तो बन सकती है एंड सम फोर्क्स आर चीजल कुछ फोर्क चीजल बन सकते हैं क्या हाँ फोर्क्स चीजल बन सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है तो ऑल फॉलोस बेटा इसमें जमा क्या जयेश हाँ सही जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है सम स्पेड्स आर नॉट शॉवल्स उसका उसका नहीं समझा सर कुछ स्पेड शॉवल नहीं है जैसे कि ये दो पैदा और तीसरे स्पेड को शॉवल नहीं बनाया लेकिन दूसरे को शॉवल बना दिया था मैंने सम स्पेड आर नॉट शॉवल है ना तो सम नॉट शॉवल हो सकता बीच वाला है कि नहीं अपने को पता नहीं तो मैंने दोनों केस पकड़ा शायद है शायद नहीं है ऐसा ना यस सर रोनित ने पूछा है सिक्स्थ वाला और 70 वाला तो सिक्स्थ वाला बेटा सम डॉक्टर्स आर ट्रीटमेंट ऑल ट्रीटमेंट्स आर इंडियंस सम इंडियंस आर स्टार अब मैंने स्टार इस इंडियन को बनाया वहां पे उस इंडियन को बनाया ठीक है सम ट्रीटमेंट्स आर इंडियन यस सम डॉक्टर्स आर इंडियंस यस सम डॉक्टर्स स्टार एक में है एक में नहीं है सम डॉक्टर स्टार यहाँ पे ट्रू यहाँ पे फॉल्स सम डॉक्टर नॉट स्टार यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स तो इंडिविजुअली दोनों सेंटेंस फॉल्स फॉल्स हो गए बट वो टी एफ एफ टी जाता है उसमें इसलिए मतलब एक में तो पक्का फंसेगा एक में तो पक्का रहेगा ऑल्दो बोथ आर फॉल्स मगर एक में तो पक्का रहेगा इसलिए वो आइदर में चला गया आपका सिक्स्थ वाला वन टू एंड साथ में आइदर थ्री और फोर ठीक है रोनित 70 पे आता हूं मैं नो रोज इज रेड रोज को रेड से दूर कर दिया नो फ्लावर इज रोज फ्लावर को भी रोज से दूर कर दिया फ्लावर रेड है कि रेड के बाहर है दो पॉसिबिलिटी एट लीस्ट सम फ्लावर्स आर रेड एट लीस्ट का कोई मीनिंग ही नहीं रहता उसको हटाओ अब पढ़ो सम फ्लावर्स आर रेड फ्लावर रेड यहाँ दिख रहा यहाँ नहीं दिख रहा तो फॉल्स पे गए अपन और रेड आर फ्लावर और रेड आर फ्लावर कोई चांस ही नहीं है फॉल्स समझे बेटा और बोलो बेटा सिलोजिज्म हेलो सर हाँ बेटा बोलो सर 41th क्वेश्चन में बोलो सर उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो उसका कैसे बनाएंगे ऑल डॉक्टर्स आर यूजुअली नॉट इंटेलिजेंट यूजुअली मतलब मोस्टली ये अपना मीनिंग है ऑल डॉक्टर्स आर मोस्टली नॉट इंटेलिजेंट सब इंटेलिजेंट नहीं है ये उसने कहा तो इसलिए मैंने सम को मान दिया था सब डॉक्टर्स ऑल आर नॉट इंटेलिजेंट सबके सब इंटेलिजेंट नहीं है
तो मैंने जानबूझ के वहां पे एक को काट दिया कि भाई हाँ ये तो नहीं है, बाकी का आई डोंट नो, एक तो ऐसा होगा जो नहीं है बिकॉज ऑल इंटेलिजेंट है ऐसा नहीं है, ये उसका मीनिंग हो गया बेटा, समझा? यस सर। अभी अम्बरीश का एक क्वेश्चन है, अम्बरीश ने पूछा है स्टेटमेंट सम कैट्स आर डॉग्स सम डॉग्स सम कैट्स आर डॉग्स सम डॉग्स आर स्टोन, तो मैं कोई भी डॉग को स्टोन बना सकता हूं, इसको भी और इसको भी। पहला कंक्लूजन नो कैट इज स्टोन, नो कैट इज स्टोन, आई एम नॉट श्योर फॉल्स। सेकंड ऑल डॉग्स आर स्टोन, सवाल ही नहीं, सम डॉग्स आर स्टोन दिया ना, फॉल्स। सम स्टोन्स आर कैट, सेकंड केस में नहीं है, फॉल्स। नो डॉग इज कैट, वो तो हो ही नहीं सकता, वो भी फॉल्स, चारों फॉल्स हो गए। जमा के अम्बरीश बेटा चारों फॉल्स कैसे हुए? यस सर। मनीष का क्वेश्चन है फोर्थ वाला, सम पेन आर नाइव्स ऑल नाइव्स आर पिन सम पिन आर नीडल एंड ऑल नीडल आर चेन। अब नीडल और चेन यहां बनाओ कि यहां बनाओ, दो सिनेरियोस थे मेरे पास, दो सिनेरियो जानबूझ के बनाया। सम चेन आर पिन, सम चेन आर पिन, ये तो होने ही वाला है, दोनों सिनेरियो में बैठ रहा है। सम नीडल आर नाइव्स, नीडल नाइव्स नीचे में नहीं बैठ रही, ऊपर में भले बैठ रही है, तो उसे फॉल्स कर दिया। सम पिन आर पेन, सम पिन आर पेन, ये तो पक्का ही है कि पेन नाइव्स या नाइव्स पिन है। तो बेटा टीएफटी, और टीएफटी एक भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मनीष वो ई पे गया, नन ऑफ दीस ऑप्शंस में। नन ऑफ दीस का मतलब ये नहीं कि सब फॉल्स है, नन ऑफ दीस का मतलब है कि ए बी सी डी नहीं है, है ना? और बोलिए बेटा, ओके तो आगे बढ़ू मैं, बोलो बेटा बोलो। 75 कौन सा? 75 बुक का, 75 बुक का, सेवेंटी फाइव नो रिवर इज लेक। अभी आपने ना ओशन के बारे में कुछ बात नहीं किया और ओशन के बारे में पूछा है, तो वो सेंटेंस फॉल्स ही होने वाला है, क्योंकि ओशन के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। एक्चुअली इसमें थर्ड स्टेटमेंट मिसिंग है, बट अपन ने कई जगह पे वो एडिट किया, स्टेटमेंट्स पीछे में लिख दिए थे, बट यहाँ पे जानबूझ के एडिट नहीं किया कि ओशन की बात नहीं किया, तो ओशन के बारे में कुछ भी बात करेगा तो फॉल्स होंगी, ठीक है? तो चलो हम लोग बढ़ते हैं सीटिंग के लिए आगे, तब तक आप लोग निकाल के रखो, और होंगे तो मैं अवेलेबल हूँ 7 बजे तक पूरा सीटिंग। सीटिंग के जमे आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बेटा, सीटिंग के सभी को। हेलो, यस सर, है ना? अब सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर सर्कुलर पॉलीगॉन, लीनियर मतलब एक लाइन में, जब एक लाइन में बैठे हैं तो या तो सब नॉर्थ देखेंगे या सब साउथ देखेंगे, या मिक्स भी देख सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट भी हो सकता है, बट जनरली नॉर्थ साउथ ही आता है लीनियर में। सर्कुलर, सर्कुलर में बैठे तो आप अंदर देख रहे हो कि सबके सब बाहर देख रहे हैं, या मिक्स, कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर, तो सबका लेफ्ट राइट डिपेंड करता है कि कौन कहाँ देख रहा है, पॉलीगॉन भी वैसी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सर्कल के टाइम अगर ये बंदा अंदर देख रहा है तो ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है, बाहर देख रहा है तो ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है, दोनों का राइट राइट मैच करेगा बेटा, समझ रहा है क्या? दोनों का राइट राइट मैच करेगा, अंदर का लेफ्ट राइट, बाहर का लेफ्ट राइट, ठीक है? इसके अलावा हमने देखा था कि इसमें एक फंडा था कि Q इज इमीडिएट राइट ऑफ P,
Q is immediate right of P and Q R S T चारों P के right में. P के right में कौन है? Q R S T चारों. अब P के immediate right में कौन है? Q. ठीक है. और ये ऐसा भी होता है सब लोग अगर downwards देख रहे हैं तो वो उनका left और वो उनका right बन जाएगा. सर्कल में लेफ्ट राइट वैसे बता दिया, समझ गया था ना. ये लोग अंदर देख रहे हैं तो ये इनके राइट लेफ्ट हो गए. सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं. इसमें भी वही थोड़ा बहुत डायरेक्शन आया था एक हाथ क्वेश्चन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला. एक बात हमेशा ध्यान रखना, लोग सर्कल में बैठे हैं मतलब ऑब्वियसली पूरा सर्कल कवर करेंगे, क्योंकि सर्कल रस्सी से नहीं बना हुआ है, सर्कल आदमियों से बना हुआ है. तो आदमी लोग इस प्रकार बैठे होंगे, लोग इस प्रकार बैठे होंगे कि वो सर्कल जैसा दिख रहा है. तो ऐसा मत सोचना कि सर्कल में सभी लोग एक साइड में वो सेमी सर्कल में बैठेंगे बोलते हैं उसे फिर. ठीक है, तो सर्कल रस्सी से नहीं बनाते, सर्कल ऑटोमेटिक दिखता है कि भाई सर्कल में बैठे हैं, रस्सी वस्सी नहीं थी. तो ये अपने सीटिंग है ना. सीटिंग के मेरे नोट्स में कुछ क्वेश्चन है वो अपन बना देते हैं. मैंने आपको नोट्स दिए ना ओडीआर के, उसमें देखो एंड में सीटिंग के क्वेश्चन है. ये तो अपने हो गए, बट उसमें सीटिंग के क्वेश्चन से एंड में देखो. देखिए क्या देखिए क्या बेटा क्वेश्चंस. सो एंड में है, है ना एंड में. अब कोई भी रैंडम बताओ मैं कौन सा बना के दिखाऊं आपको, बोलो. ये बनाओ केस सिक्स, मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा है. नाइन तो बहुत ही इजी है. आठ आदमी वाला बनाना है अपने को, एक आठ आदमी वाला. ये जडेजा कोहली, ये पहले बना देते हैं अपन जडेजा कोहली वाला. ठीक है, चलो पढ़िए बेटा क्वेश्चन. इसे नाम में हटा देता हूँ यहाँ से. अच्छा क्वेश्चन है ये, बॉक्स ही हटाना पड़ेगा. आठ लोग है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर. स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, आठ लोग. ठीक है, there is one person along each side and one on each of the corners. corner पे भी एक एक है ना. कहाँ कहाँ पे है? चार पांच छह सात आठ, ऐसे आठ लोग है. सब लोग अंदर के साइड देख रहे हैं. the person sitting along the sides like bowlers, the person sitting along the side likes bowlers. इनको बॉलर पसंद है, मतलब लोगों की बात हो रही है, उनको बैट्समैन बॉलर से कनेक्ट किया है. ठीक है, पीके वाले टी यू वी डब्ल्यू को बैट्समैन बॉलर से कनेक्ट किया है. आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पे अच्छे से? देख पा रहे हो ना? यस सर. तो जो साइड में बैठे उनको बॉलर पसंद है, भुवी शामी जडेजा बुमराह. कॉर्नर में जो बैठे उनको बैट्समैन पसंद है. ठीक है, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक धोनी. क्योंकि देखो ना बेटा, चार बॉलर के नाम दिया और चार बैट्समैन के नाम दिया, यानी आठ लोगों को आठ प्लेयर पसंद है. आठ लोगों को आठ प्लेयर्स पसंद है, समझा क्या आप लोगों को? आठ लोगों को आठ प्लेयर्स पसंद है. ठीक है, अब पी कहां बैठता है? थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक धोनी. पी बाबा थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक धोनी. टी लाइक बुमराह, टी को बुमराह पसंद है. सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू हु डजंट लाइक धोनी. ओके, V opposite to the one who like Bhuvi. S sits to the immediate left of Q. One who like Shami sits immediate right of the one who likes Dhawan. V is immediate neighbor of the one who like Kohli. W sits second to the right of R. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब गजब मैन गजब. बोलो कहां से शुरुआत करें? कोई एक तो चीज ढूंढनी पड़ेगी जहां पे अपन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एक चीज.
जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। धोनी, धोनी कहाँ रखू, धोनी को कहाँ रखू? पहली बात तो धोनी आएगा कॉर्नर में, समझ गया क्या आपको? क्योंकि कॉर्नर वालों को बैट्समैन पसंद है, धोनी को उन्होंने बैट्समैन करके गिना है। धोनी को कौन सा कॉर्नर बनाऊ? तो कोई भी कॉर्नर बना सकते धोनी को, कौन सा बनाऊ बोलो? ये बना दो टेम्पररी पीसीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक धोनी, थर्ड लेफ्ट इसका, ये थर्ड लेफ्ट हो गया पी, ठीक है। अब ये धोनी की जगह गलत हो सकती है, मुझे आगे जाके पता चलेगा। पी लाइक बुमराह एंड सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू को धोनी नहीं पसंद, ओके क्या करना है उसे? वी अपोजिट टू द वन हु लाइक भूवी, अरे बाप रे, फिर से एक बार, पी थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक धोनी, यू को डजंट लाइक धोनी, तो यू इस कॉन्टे में नहीं है, कोई और कॉर्नर में। वी अपोजिट टू द वन हु लाइक भूवी, वी इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक कोहली, ओके वी है कोहली और भूवी से लिंक करके, डब्ल्यू सेकंड राइट ऑफ आर, पी सीट्स बनाते ना हिम्मत करके, नहीं तो चेंज कर देंगे और क्या, इतना क्या डरना। पी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हो रहा है एक धोनी, टी लाइक बुमराह, बुमराह को कहा बनाऊ? अब बॉलर है तो उसको साइड में बनाना है, तो टी लाइक बुमराह अभी का बना देता हूँ, बाद में उसे मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो। एंड सीट्स इमीजिएट राइट ऑफ यू, टी को बुमराह पसंद है और टी बैठता है इमीडिएट राइट ऑफ यू, जिसको धोनी नहीं पसंद, यानी यू यहाँ पे नहीं आएगा तो बुमराह यहाँ नहीं आएगा, ये पता चला। अब बुमराह यहाँ भी नहीं आ सकता था, समझे क्या बेटा? दो जगह पे बुमराह नहीं आ सकता, या तो बुमराह यहाँ आएगा या तो बुमराह यहाँ आएगा, ये बात जमी क्या आपको पहले? हेलो क्या बोला? ओ हेलो बेटा, उसने क्या बोला? टी को बुमराह पसंद है और टी इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू को धोनी नहीं पसंद, मतलब यू यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे बुमराह नहीं आ सकता, और यहाँ पे पी है, बुमराह तो टी के साथ आएगा, तो इसलिए दो जगह पे बुमराह नहीं आ सकता, तो बुमराह या तो टी के साथ यहाँ आएगा या तो बुमराह टी के साथ यहाँ ऊपर आएगा, दो जगह पे आ सकता है, एक गलत है एक सही है, कौन सा सही कौन सा गलत ढूंढना है। वी अपोजिट टू द वन हु लाइक भूवी, भूवी बनाना है, भूवी भूवी कहा सकता है। एस इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, एस इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, अब बताओ एस इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू और एस दो जगह कहा बची, सिर्फ यही पे दो जगह बची है, तो एस इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, समझा? द वन हु लाइक शामी सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक धवन, जिसको शामी पसंद है इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक धवन, वी इज इमीजिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक कोहली, यहाँ पे कहाँ कहाँ बिठाएंगे? वी इज इमीजिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक कोहली, डब्ल्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, बेटा दो में से ना एक एजम्पशन पकड़ना है बुमराह का, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। एक नीचे वाला अभी का मान लो हटा देता हूँ, गलत होगा तो मुझे याद है ना, अपन ने बुमराह हटाया था, बुमराह को नीचे करके फिर आगे बनाएंगे। अब बुमराह टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, वहां पे टी इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू को यहाँ बनाया मैंने, टी इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो अब ये क्यू इधर नहीं आएगा, एक बार फिर से बनाते हैं पूरा, सब लोग सेंटर देख रहे हैं। पी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक धोनी, पहले अपने धोनी को फिक्स कर दिया, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन,
ये पी आ गया उसके थर्ड लेफ्ट पे, ठीक है बेटा। टी दाइक बुमरा सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ यू, टी दाइक बुमरा, बुमरा बैठता है इमीजिएट राइट ऑफ यू। तो बैठता इमीजिएट राइट ऑफ यू, जिसको भूवी पसंद है वी उसके अपोजिट। हाँ अब भूवी को क्या में गिना बॉलर में, है ना। अब बॉलर अपोजिट टू दी वन, वी यहां नहीं आ सकता, वी यहां नहीं अपोजिट टू दी वन, भूवी वाले के अपोजिट। तो वी के लिए एक ही जगह बची ये वाली, देखो देखो वी के लिए एक ही जगह, वी अपोजिट टू दी वन हो लाइक भूवी, यानी इसको भूवी पसंद होगा। बहुत बढ़िया। एस इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, अब एस को क्यू के इमीजिएट लेफ्ट में बनाना है, ना क्यू का ठिकाना ना एस का, दो जगह ढूंढो। एस इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। मगर एक और बात बेटा, एस क्यू ऐसा भी हो सकता है और धोनी का भी तो क्यू हो सकता है, तीन जगह ना यहाँ पे। तो ऐसा क्यू का एक और हिंट लगेगा, द वन हु लाइक शामी, शामी कहाँ बच गया बेटा, बुमरा भूवी शामी जडेजा बचे ना। वन हु लाइक शामी सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक धवन, वी इज इमीजिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक कोहली, ये कोहली हो गया क्योंकि वी किसका नेबर है, कोहली वाले का। डब्ल्यू सिट्स सेकंड राइट ऑफ आर, आर का सेकंड राइट डब्ल्यू। अब आर का सेकंड राइट बनाना है तो आर को यही करना पड़ेगा अपने को, और डब्ल्यू इसका सेकंड राइट बन जाए। अब एस क्यू जो बच गया, एस सीट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो ये एस क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब शामी इमीजिएट राइट ऑफ द वन हो जाए धवन, धवन कहाँ बैठा हो बेटा, शामी भी बचा है। अब तो बस नाम ही बचे ना, अरेंजमेंट तो सभी लोगों की हो गई। पढ़ो अब, टी लाइक बुमरा, ओके, वी अपोजिट टू द वन हो जाए भूवी, ओके, एस इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ओके, वन हो जाए शामी सीट्स राइट ऑफ द वन हो जाए धवन, जिसको शामी पसंद है राइट ऑफ द वन हो जाए धवन। यहां नहीं आ सकता कि यार धोनी का राइट हो गया, वी की जगह नहीं आएगा वो क्योंकि धोनी का राइट हो गया, धवन का राइट चाहिए, फिर डब्ल्यू के साथ में ना आपका धवन आ जाएगा। क्या बढ़िया ढूंढा ना, मजा आ गई। शामी इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स धवन, है ना, क्योंकि यहाँ पे भूवी था या बुमरा था, दो ही जगह थी शामी के लिए। वहां पे क्यों नहीं, क्योंकि जो वी है वो धोनी का राइट है, तो धवन यहाँ पे आ गया, वी इज इमीजिएट नेबर। अब देखिए कि बॉलर बैट्समैन बच गया ना, कौन सा बच गया, जडेजा बैठा, तो जडेजा को बैलेंसिंग फिगर। और शर्मा, शर्मा है जडेजा। चलो तो हम तैयार है सवालों के जवाब देने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर सिट्स मिडल ऑफ द टेबल, टेबल के मिडल में कौन है, टीपीएसवी को एसटी नाम दिया और टीपी था नहीं, सॉरी पीवी था नहीं, तो वो भी हो सकता था। पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक कोहली विद रिस्पेक्ट टू एस, जिसे कोहली पसंद है उसकी एस से क्या पोजीशन है, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक भूवी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ भूवी, कितने पर्सन सिटिंग बिटवीन यू, यू और कौन, एंड द वन हु लाइक भूवी काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ भूवी, भूवी के लेफ्ट से कितने, दो लोग बैठे ना, दो लोग भूवी और यू के बीच में कितने लोग हैं, काउंटिंग फ्रॉम भूवी का लेफ्ट, यानी आरटी है, आरटी नाम के दो लोग, आरटी नाम के दो लोग। और विच आर द फॉलोइंग ऑड आउट ऑफ रेस्ट, आर यू क्यू, क्या आर यू क्यू, आर यू क्यू और ये टी, तो ऑब्वियसली टी इज द ऑड मैन क्योंकि आर यू क्यू ये तीनों को बैट्समैन पसंद है, टी को बॉलर पसंद है। कौन है थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डब्ल्यू। खत्म, सारे बन गए, वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आया।
मुझे आया मतलब आपका नहीं पता मुझे, आई होप आप सुन रहे थे, बट ऐसे टफ क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि बेटा ये रीजनिंग के क्वेश्चन से मार्क्स ज्यादा होते हैं तब पूछते हैं अपने को, क्या एमसीक्यू में ये सब नहीं पूछ सकते, सिंपल वाला पूछेंगे जो अपन, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे में अपने को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इतना टाइम नहीं है, तो ये चीज का वो लोग ध्यान रखते हैं, मतलब क्वेश्चन ही ऐसा है कि उसको पढ़ने में उतना टाइम लगेगा जितना अपने को अलॉटेड है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना पड़ता तो चीजें क्लिक होती, फिर लिंक करना पड़ता एक दूसरे से, तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। अभी आपकी इच्छा है बनाने की तो आप ये आंसर्स नोट कर सकते हो बाकी के भी, ये अब्राहम वाले का आंसर है डी 9 का है ना, ये 7 वासिटी वाला आंसर है सीडीसी, जो बुक में क्वेश्चन है ना उसका उसका आंसर बता रहा हूँ, आप नोट कर लो आपको घर पे इच्छा हुई करने की तो। सर ये सब एग्जाम्स के क्वेश्चन है क्या? नहीं बेटा, ये सीटिंग अरेंजमेंट ना उसमें एग्जाम में एकदम चिल्ड्रन क्वेश्चन आए हैं, तो ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे ही बनाए थे मैंने, तो पुराने ही चला रहा हूँ अभी एग्जाम क्वेश्चन, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में कवर कर दिया ना, एग्जाम ज्यादा हुई नहीं फाउंडेशन की, मैथ्स के भी जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो सीपीटी फाउंडेशन वो सब आ गए, लेकिन अब लॉजिकल के ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में वगैरह कवर हो गए, तो बहुत ज्यादा कुछ था ही नहीं, और जो ये बहुत ही ज्यादा ईजी थे वो कवर ही नहीं किए, तो एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, सीटिंग वाला एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, बाकी जितने मैंने मैथ्स के करवाए जितने भी ओडीआई में मैथ्स के करवाए सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चन, एक भी नहीं ऐसा है जो एग्जाम में नहीं आया है, बस सीटिंग के ऐसे ही एक्स्ट्रा के क्वेश्चन है, वो मेरे नोट्स में काफी सारे वो थे ना मिस्टेक्स, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो नहीं आ सकते, तो उसके बाद ये ऐसे ही डाल दिया था इसमें, तो पड़े हैं, तो मैंने बोला अच्छा तो दे देता हूँ आपको, मैं भी क्या करूंगा घर पे रखे रखे, नोट करो स्क्रीनशॉट 5वें का, इसका भी स्क्रीनशॉट दे लो आंसर्स का, घर पे चेक करना हो तो हालांकि जरूरत नहीं करने की। अभी इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, दोनों चीज मिला दिया उसने, ब्लड और सिटिंग, तो करके देखना घर पे मजा आएगी, बट ऐसा एग्जाम में नहीं पूछ सकते, इट रिक्वायर्स 10-15 मिनट्स जो कि एग्जाम में नहीं होता इतना, ये भी नोट कर लो 6th वाला, किसी को एक हाथ करने की इच्छा रही तो इसलिए नोट करवा रहा हूँ, हालांकि नहीं भी किया तो इट इज परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि सीटिंग से अब तक के सबसे ईजी क्वेश्चन सीटिंग से ही आया है, अब तक के जितने भी एग्जाम में सबसे ईजी क्वेश्चन आए वो सीटिंग के ही आए हैं, तो यस बेटा सीटिंग के आपको क्या डाउट है बताइए, मेरे ख्याल तो कुछ होने नहीं चाहिए, बहुत ही इजी है, बट फिर भी अपनी बुक का कभी कुछ होगा तो बिल्कुल बता दीजिए बेटा, बोलिए। नहीं कुछ भी नहीं, टेस्ट सीरीज के, हाँ बेटा दूसरे चैप्टर्स के भी पूछो, सीटिंग के हो गए तो किसी के भी पूछ लो। अच्छा टेस्ट सीरीज के कोई डाउट, सबसे पहले टेस्ट सीरीज के कोई क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट तो बताइए बेटा, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट? टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट? फॉर्मली हमारे सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, अभी टेस्ट सीरीज के डाउट्स देखते हैं अपन पहले और फिर अपन इंडिविजुअल डाउट्स देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो। हाँ बोलो ना बेटा, बोलो बोलो। हाँ सर, मुझे वो थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन के में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। हाँ बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। रुको ना, पहले अपन ये टेस्ट सीरीज के देखते फिर मैं आता हूँ उस पे, है ना? बट आप उसको ऑप्शन मेथड से बना सकते हो। ऑप्शन मेथड से? सर मैंने ट्राई किया था। कौन सेटिस्फाई करते हैं? जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट और राइट मैच, वो उसका आंसर रहेगा, है ना? नहीं नहीं सर, क्यूबिक इक्वेशन वाला जहाँ पे वाई क्यूब रहता। हाँ क्यूबिक के ही बताया बेटा, क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं, क्यूबिक को तो वैसे भी ऑप्शन मेथड से ही करते हैं अपन जनरली, मतलब एक्स के जगह ऑप्शंस। हाँ जो ऑप्शन है उसको पुट करके देखना कौन सा डिस्पाई करता है। ओके ठीक है सर। आर्यन ने एक डाउट पूछा, ये शायद क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है गलत है, मैंने कल भी बताया था शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ, नॉट श्योर, ये बुक का क्वेश्चन है क्या आर्यन अपने? P minus Q plus R divided by N into T. A is brother of B. अच्छा इसके बारे में पूछा है, तो सबसे पहले
जैसे इसका क्वेश्चन है पी माइनस क्यू, माइनस का मीनिंग क्या दिया था आपको, ब्रदर, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। इसके बाद क्यू प्लस आर, प्लस का मीनिंग दिया था सिस्टर, तो क्यू इज सिस्टर ऑफ आर। इसके बाद आर डिवाइड बाय एन, डिवाइड का मीनिंग था उल्टा था डिवाइड का मीनिंग, बी इज फादर ऑफ ए, यानी एन इज फादर ऑफ आर, एन इज फादर ऑफ आर, इसका मीनिंग उल्टा था। और इनटू, इनटू का मीनिंग क्या दिया था, इनटू भी उल्टा था, बी इज मदर ऑफ ए, तो टी इज मदर ऑफ एन, टी इज मदर ऑफ एन। तो इसमें पी इज ब्रदर ऑफ आर सही है, ऑप्शन ए, टी इज सिस्टर ऑफ क्यू गलत है, पी इज फादर गलत है, आर इज डॉटर, वी डोंट नो बेटा, ऑप्शन ए, ए आंसर था इसका, ए वाला, ठीक है। हाँ बेटा, आना का क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी, सबको उसका लिंक मिल जाएगा रात में, कल का दिया था ना मैंने सारे लिंक प्लेलिस्ट बना के, इसको भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा मैं, 1, 2, 3, 4 के नीचे। आज के तीन सेशन है ना, 4, 5, 6, 7 नाम से आ जाएंगे वहां पे। अभी विशाल का ये डाउट था कि विवेक एग्जाम में गलत क्वेश्चन आते हैं क्या, पूछ रहे हो, आते हैं बेटा, आते हैं, मेरे टाइम भी आए थे जब मैंने सीपीटी दिया था, तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं बेटा। बेटा लॉग 25 विशाल अग्रवाल, लॉग 25 बेस 8, लॉग 2 इज गिवन, तो बेटा ये हो गया लॉग 25 बाय लॉग 8, 25 मतलब 100 बाय 4 कर देना, 8 को 2 का क्यूब कर देना, तो ये हो जाएगा लॉग 100 माइनस लॉग 4, 3 लॉग 2, लॉग 100 की वैल्यू हमें पता है 2, और लॉग 4 को लॉग 2 का स्क्वायर, 2 लॉग 2 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है विशाल। बस नहीं yes. हो गया अनघा का, ये अनघा का क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज के सारे हो गए क्या, सबके टेस्ट सीरीज के, तो अनघा आपने जो थर्ड वाला भेजा ना उसमें आप एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर डीएक्स बनने, डीटी बनने चला जाएगा, समझ रहे क्या बोला अनघा, आप 1+3x³ पूरा ही टी मान देना, 1+3x³ पूरा ही टी मान देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जब बेटा क्या बोला कि बताऊ, और सेकंड में भी आप x4 को ही सीधा सीधा टी मान देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और जो फर्स्ट वाला है उसमें आप एक बार फर्स्ट वाला ना बेटा, वो थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार फर्स्ट फिर से भेजोगे क्या, ई एक्स वाला क्या लिखा है, थोड़ा दिक्कत दे रहा है, सेकंड में एक्स फोर को टी, थर्ड वाले में एक्स क्यूब को टी, एंड इजी दे आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एक बार फिर से भेज दो। उसके बाद है जयेश का क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी आपको डी वाई बाय डी एक्स स्लोप कितना ये फाइंड करना है, कर्व दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जैस 2x-1 एट अ पॉइंट वेयर वाई इक्वल टू 2 कट्स द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 0 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर्स आ गए एक्स माइनस 2x+1, तो एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो माइनस 1 को रिजेक्ट किया, एक्स की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे x को 2 पुट किया, आंसर आ गया 3, ठीक है जयेश, ओके बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। सर हाँ बेटा, सर एक डाउट है बट नहीं के स्क्रीन ही नहीं दिख रही। हाँ क्या, हाँ रुको बेटा, तो मैं सब बताता हूँ। खुशी का क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म, तो मिसिंग टर्म निकालना है, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, लगाओ बेटा सब लोग दिमाग,
खुशी को बताना ही पड़ेगा। खुशी लेकिन क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन अपनी बुक का ही शायद ऐसा लग रहा है मुझे, तो ये तो देखा देखा लग रहा है। सर क्वेश्चन राइट है, मैं चेक वापस। राइट है क्वेश्चन, पक्का है? हाँ सर पक्का राइट है। डिफरेंसेस आएंगे 36, 60, 90। अरे भाविन ने आंसर भेजा, लॉजिक बता दो भाविन फिर लॉजिक। सर हेलो सर जो हाँ हेलो कौन बोल रहे हैं? उदित। हाँ सर, जैसे कि वो फर्स्ट में 24 लिखा ना, हाँ तो वो 2 × 3 × 4 हो गया। ओके और सेकंड में 60 है तो वो 3, 4 और 5 का इनटू करके हो गया। बढ़िया उदित, बहुत बढ़िया। तो ऐसे लास्ट वाला 6 × 7 × 8 = 336 आएगा ना? कितना है? इसे 2 × 10 = 5 × 6 × 7 336। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया उदित, वेरी नाइस। ठीक है खुशी, खुश हो गए तुम? यस सर। ओके अगला है शिवम। शिवम ने पूछा है ये पी आई स्क्वायर, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू बेटा, आई मतलब अपना रेट डिवाइड बाय 100 है ना, तो पी निकालना है। आई कितना आपका 8% के लिए 0.08 उसका स्क्वायर। सही शिवम, ये आय है, आपका कंफ्यूजन उसी में होगा कि आय कौन है। तो पी अपना प्रेजेंट प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू, आय मतलब रेट अपॉन 100। देख लो 96/8% दो बार कितना आता है, 15,000 इज द आंसर। ओके बोलो शिवम। यस सर। भक्ति जी, कौन सा क्वेश्चन है भक्ति का? 38। भक्ति का क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट दिया है 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, नॉमिनल रेट निकालना है, नॉमिनल रेट। ये अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग देख लो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उल्टा नॉमिनल से इफेक्टिव कैसे निकाला जाए, ऑप्शन मेथड से। कैसे? ऑप्शन मेथड में बता देता हूं, क्योंकि अपने को वो एक तरीका अच्छे से आता है, नया पढ़ने से अच्छा यही है ना। तो क्या करना, जैसे मान लो आपको अगर क्वेश्चन दिया होता था कि ये रेट है कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, 11.78 दिया होता, कहता है कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो आप इसका इफेक्टिव निकाल देते थे, है कि नहीं? आप इसका इफेक्टिव निकालते थे, तो मेरा कहना है अभी भी वैसे ही निकाल दो एक एक ऑप्शन के लिए इफेक्टिव रेट जैसे आप निकालते थे। तो 11.78 में क्या हो जाएगा, 11.78 को क्वार्टरली में डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये रेट आ गया 2.945 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 से फैक्टर 1.02945 अपने को इनटू करना है किससे, 100 से, और 4 इक्वल टू दबाना है, देखना है 112 आता कि नहीं। तो ये 112 से थोड़ा ऊपर चला गया, ये इसका रेट हो गया बेसिकली मेरा 100 रुपया। ऑप्शन ए कैसे चेक कर रहा हूं मैं, कितना था मैं भूल गया, वो जो फैक्टर इंटू 100 चार इक्वल टू में आ गया 112.31, मेरा 100 इतना बना, मतलब इफेक्टिव रेट 12.31 हो गया, जबकि 12 आना चाहिए, तो मैंने थोड़ा ज्यादा पकड़ दिया, 7-8 से कम पकड़ना है, तो मैं अब 8-9 नहीं पकड़ूंगा, मैं पहले 4-9 चेक करूंगा। 4-9 के लिए क्या हो जाएगा, 4-9 के लिए into 100
चार इक्वल टू में ये आ गया ना एग्जैक्ट 112, तो ये 12 से बड़ा तो 12% इसका इफेक्टिव रेट हो गया। ठीक है बेटा, जमा किया आप लोगों को, ऑप्शन मेथड से बना, ए करके देखा, ए का इफेक्टिव आया 12.31, बी ऑप्शन का इफेक्टिव 12 आता है, सॉरी डी ऑप्शन का, बी नहीं था वो डी था बेटा, एक मिनट डी था, दिस वाज ऑप्शन डी, डी इसका आंसर है बेटा। ओके बोलो भक्ति, ओके बोलो। यस सर। श्रुति, ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज, drove north for 20, driver north ki taraf gaya 20, after which he stopped for breakfast, then he turned left and drove 30, lunch liya somewhere, he again turned left and drove 20, yahan pe evening thi, he turned left and drove 30, apne paas iska opposite question tha, 30 to exactly reach the town, yes suppose diya, after evening thi, which direction did he drive, kis direction mein drive kiya, east ki taraf beta, ye rasta apna hai na, evening tea ke baad, श्रुति ओके? यस सर। अनघा का 10th वाला, अनघा ने क्वेश्चन पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 3e2x माइनस 3 प्लस e4x अपॉन ex प्लस e माइनस x dx। हाँ ना 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 केड़ी तेरी नाराजगी गल सुन ना सकी क्या है ये, मैंने बनाया था किसी को तो भी बना के भेजा था मैंने अपनी क्लास, मुझे याद आ रहा है अभी अभी एक आध महीने पहले की बात है। ये किसको भेजा था मैंने बना के, हम लोग माइक ऑफ रखो, कुछ बोल नहीं रहे हो तो रिकॉर्डिंग में आएगा ना। मेरा ध्यान करो, देखो किसी को बना के भेजा था कि मैंने, मेरी बुक का ही है संस्कार, आपने बनाए ना मेरी बुक के सारे क्वेश्चंस? हाँ सर, कुछ कुछ जमे नहीं लेकिन ये वाला देखता हूँ सर। देखो ना, नीचे का ex plus 1 by ex, e2x plus 1 by ex, तो e2x plus 1 और ये ex एक ऊपर भी आ जाएगा dx, वो ex को अगर dt बनने भेजना है तो ex को t मानना पड़ेगा, तो 3t square minus 3 plus t4 t square plus 1 यहाँ पे dt बन जाएगा। अब बनता क्या है वो देखना पड़ेगा, अब बनता है क्या टी स्क्वायर को अगर मैं, बट एक टी नहीं अवेलेबल है टी स्क्वायर को कुछ मानने के लिए, टी स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा,
ओके 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 सर, उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते क्या? माइनस टू ए बी होना तो चाहिए। तो उसके इसमें से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, टी फोर आ गया, वन आ गया। नहीं सर नहीं हो रहा तो पॉसिबल। हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, टी माइनस टू टी प्लस टू। हो गया ना, इसको भी टी स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव, ये हो गया बेटा। देखो अनघा, ये यहां तक कुछ समझा कि मैंने क्या किया? नीचे वाले को सॉल्व किया था ऐसा, वन अपॉन ई एक्स करके ऊपर ई एक्स डाल दिया, मैंने ई एक्स को टी माना, यहाँ पे ई एक्स को टी माना, तो सब कुछ कन्वर्ट हो गया, ये पूरा ई एक्स डी एक्स डी टी बनने चला गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा, इसका मीनिंग क्या हो गया? टी फोर ये कवर हो गया प्लस वन, तो वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, माइनस थ्री भी कवर हो गया, और ये हो गया टू टी स्क्वायर, तो टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया थ्री टी स्क्वायर, है ना। अब इसको इससे भी डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, इतना आ गया। अब जब ये सेकंड वाले से डिवाइड करना था तो मैंने माइनस फोर को वन माइनस फाइव करके लिखा, दोनों से डिवाइड किया, ये वाला मेरा सेकंड पार्ट कैंसिल होके वन बन जाएगा, वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और थर्ड पार्ट में एडवांस फॉर्मूला। ओके बोलो ना, कहा ओके? हेलो अनघा, ठीक है, जब भी आप नेटवर्क में हो तो बोलना, पता नहीं मैसेज में। हाँ जयेश, आपका क्वेश्चन है, आना पड़ेगा। There are two couple in family case. एक मिनट जयशा, वो इन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मैं फोटो खींच के सीधा देखता हूँ फिर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जयेश का, क्वेश्चन, देयर आर टू कपल इन अ फैमिली, के हैज टू चिल्ड्रन, एम इज वाइफ ऑफ क्यू, क्यू हु इज ब्रदर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ के, के के दो बच्चे एंड एफ इज डॉटर ऑफ के, क्यू ब्रदर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ के, यू इज सिस्टर ऑफ एस, एस जो कि सन ऑफ ओ, टी इज सन ऑफ बी, बी हु इज मेल, हाउ यू इज रिलेटेड टू टी। K has two children, okay, M is wife of Q, M is wife of Q, Q brother of B, M is wife of Q, Q who is brother of B, F is daughter of K, U is sister of S, U is sister of S, S who is son of O, S who is son of, अब वो Q पकड़ता हूँ बेटा मैं, S who is son of Q, ठीक है, T is son of B, B who is male, how is U related to T, U T के लिए क्या हो गया, sister, ठीक है बेटा, कुछ गड़बड़ है, इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि ये तो कहीं कनेक्ट भी नहीं हुआ,
ठीक है, दो बच्चे तो आ ही नहीं रहे, यहाँ पे तीन बच्चे हो गए कम से कम, तो ऐसा होगा क्वेश्चन में गड़बड़े, बट उसके बेस पे आंसर सिस्टर आता है बेटा। ठीक है जयेश सर, वो यू एंड एस तो ओ के चिल्ड्रन है ना, लिखा है यू इज सिस्टर ऑफ एस है ना, एस जो कि ओ का सन है। अभी ओ अलग है क्या और क्यू अलग है क्या? वो ओ को मैंने क्यू पकड़ लिया बेटा, वो जो ओ था ना उसको मैंने क्यू पकड़ा मिसप्रिंट समझ के, नहीं तो और कुछ भी लिंक नहीं होगा ना, समझे क्या बेटा क्या बोला? हाँ यस सर, वो पकड़ा। अब इंडिया आपसे सब इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सिद्धि का डाउट। सिद्धि आपने अच्छा क्वेश्चन पूछे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट आइटम्स टेकिंग आर माइनस वन एट ए टाइम व्हिच इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर थिंग। देखो अच्छा है, आना चाहिए आपको। क्या हुआ ना, आप एग्जाम्पल दो कि भैया मान लो एन की वैल्यू 10 या अपन क्रिकेट देते 15, आर की वैल्यू 11, आपको एक्चुअली 15p10 टाइप का चाहिए, किसके बराबर होगा है ना, आर माइनस वन थिंग्स, आर को 12 पकड़ते हैं, आपको एक्चुअली 15 में से 11 चाहिए, आर माइनस वन को 11, एक को हमेशा देना है, एक को हमेशा दे दिया तो ऑप्शन जो हमेशा अंदर गया, जगह आपके पास आर माइनस वन है, तो एक जिसको दिया उसके पास जाने की कितनी जगह, आर माइनस वन जगह उसके पास जाने के लिए। ठीक है, अब लोग कितने बच गए, एक के आने के बाद एन माइनस वन लोग बच गए, और जगह कितनी बच गई, आर माइनस टू जगह बच गई। समझा क्या सिद्धि क्या बोला? उसको एक्चुअली ऐसा करना था एन पी आर माइनस वन, 15 में से 11, एक को ऑलरेडी अंदर दे दिया, जो अंदर गया उसके पास कितनी जगह बैठने के लिए, आर माइनस वन जगह। धोनी अंदर गया उसके पास आर माइनस वन जगह है, अब लोग बच गए 14 यानी एन माइनस वन, और जगह बच गई 10, तो आर माइनस वन से एक कम किया, जो जगह थी ना ऑलरेडी जिसमें बिठाना था उससे एक कम कर दिया आर माइनस टू। उसे सीधा सीधा नहीं पूछा, घुमा के पूछा, मैंने आर से एक कम करने नहीं बोला, आर माइनस वन चाहिए थे, एक ले लिया तो अब आर माइनस टू और चाहिए। ठीक है सिद्धि डन, सिद्धि हाँ ना तो बोलो। ओके देव, हमने 12,000 जमा किए, 10% रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिट बैंक, 20% रिसीव्ड इंटरेस्ट, 14% फाइंड द लम्स अमाउंट। तो बेटा देव 12,000 इंटू 10% प्लस एक्स इंटू 20% अपॉन 12,000 प्लस एक्स इक्वल टू 14%। इसको सॉल्व करो बेटा, यहां से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा वेटेड एवरेज। ठीक है देव, हाँ सर। मोंटी का क्वेश्चन है 25, 5, 1 सर, 1/3125 विच टर्म इज 1/3125 एंड क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये तो ए 25 कॉमन रेशियो 1/5 टी एन का फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन, ये दिया आपको 1/3125 25 कॉमन रेशियो 1/5 एन माइनस वन, तो ये होता है 1/5 का पावर कितना है, 5 है ना, 5/2 × 5 का पावर 1 − n, 5 का पावर −5, 5 का पावर 2 + 1 − n, −5 = 3 − n, n इज 8। आठवां टर्म बेटा, ठीक है मोंटी, आठवां आप कैसे भी निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 5 कर करके, जैसे 1/3125 होता है 0.0032, तो आप क्या करना, 25/5, ये दूसरा टर्म आ गया, तीसरा 1, चौथा 5वां, छठवां, 7वां, 8वां, उतने ही आ रहा है। ओके मोंटी, ओके सर। स्मृति का डाउट है, फोर्थ वाला, पी क्यू आर दे दिया आपको, पी क्यू आर इक्वल टू ए एक्स, क्यू आर एस इक्वल टू ए वाई, आर एस पी इक्वल टू ए जेड,
आपको पी क्यू आर एस की पावर हाफ निकालनी है। ठीक है, देखो आपके पास तीन चीजें हैं, आप तीनों को इंटू कर दो। अगर इंटू करते हो तो पी क्यू आर इंटू क्यू आर एस इंटू आर एस पी इक्वल टू ए एक्स ए वाई ए जेड। पी दो बार है, ई स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, आर क्यूब स्क्वायर। शायद ऐसे नहीं आएगा, आई डाउट। ये भी किसी को भेजा था मैंने बना के। सर? हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जो पावर है हम उसको उधर शिफ्ट, एंड क्वेश्चन में मिसप्रिंट है सर, सब सबका पावर टू होना चाहिए। सबका पावर टू कहाँ पे बेटा? सर इस क्वेश्चन में मतलब आर थ्री टाइम्स नहीं, आर भी टू टाइम्स ही है ना। नहीं आर तीन हो गए ना बेटा, तीनों के पास आर था ना। होगा ना? नहीं वो तो निकाल के पता चलेगा। वैसे वो ये कि गड़बड़ तो लग रहा है। नन ऑफ दिस दिया है क्या बेटा? स्मृति आंसर कितना दिया है? चेक करते हैं। हाँ करो बेटा। सर ऑप्शन सी होता अगर आर स्क्वायर होता। हाँ सर। हाँ बट वैसा नहीं ना। नहीं तो भी ऑप्शन सी नहीं होता। x plus y plus z by 2 होता वो। तो अपन इसको ये तो कर ही सकते हैं, इसका स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आर को इसके नीचे भेज दो। चलो कजानी बोल रही है क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है गलत है बेटा क्वेश्चन, कजानी बोल रही है। ठीक है ओके। अनमोल का अगला क्वेश्चन, दिसंबर, अभी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। दिसंबर को लिखा गया था ई आर एम बी सी डी ई। तो E R M B V E N O किसको लिखते थे बेटा? देखो E R कहाँ से आया? ये E R, फिर M B कैसे आया? ये M B हो गया। दिखा क्या बेटा? अनमोल दिखा क्या बेटा? फिर ये C E ऐसा C E और ये आखिरी का बाजू का D, स्टार्टिंग का D। तो बस ये हो जाएगा N O V E M B E R नवंबर। ठीक है अनमोल। ओके सर। श्रुति एफ एक्स दिया है एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स ढूंढना है तो कैसे करेंगे बेटा? एफ एक्स जैसे आपको दिया है 2x + 3, इसको y मान लो, y इक्वल टू एफ एक्स लिखो, y इक्वल टू 2x + 3 बाजू में लिखो। ये हो जाएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। यहाँ से आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दो, यहाँ पे आप x की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया इनवर्स। अब इसमें सारे y की जगह आप x पुट कर दो, f इनवर्स x इज x माइनस 3/2। ठीक है श्रुति। नेक्स्ट नेक्स्ट है
मनीष फाइंड नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोपोर्शन टेकिंग फोर एट अ टाइम. बेटा प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन टेकिंग फोर एट अ टाइम, तो आपको याद है मैथमेटिक्स में कैसे बनाया था, वैसा ही है ये कुछ. इसमें P दो बार है, O तीन बार है, R भी दो बार है, और कौन बच गया, T I N हो गया टैली. पांच पांच दस, यस. आपको चार चाहिए तो चार क्या आ सकते, केस A ट्रिपलेट प्लस सिंगल फर्स्ट केस, या तो टू पेयर, या तो वन पेयर प्लस टू सिंगल, या तो फोर सिंगल्स. बस तीन की जगह चार केस बन रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में. अपने तीन मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन वाले में बीसीडी केस तो पढ़ा था, यहाँ पे एक नया है ट्रिपलेट प्लस सिंगल. अब ट्रिपलेट का एक ही ऑप्शन है वन सी वन इंटू सिंगल, कितने में से आ सकता है ट्रिपलेट आने के बाद, पी आर टी आई एन पांच ऑप्शन, फाइव सी वन. दो पेयर चाहिए, पेयर अपने पास तीन है तो थ्री सी टू में दो पेयर आ गए अपने पास. एक पेयर तीन में से थ्री सी वन इंटू जो भी पेयर आया होगा. दो सिंगल के लिए वापस पांच ऑप्शन, चार सिंगल के लिए छह ऑप्शन. ये सबकी टोटल करो बेटा कितना आता है, फाइव थ्री टेन थ्री सर थर्टी फिफ्टीन, कितना हो गया सबको ऐड करो, बीस पचास फिफ्टी थ्री. ये दिया है कि बेटा आंसर चेक कर लो मनीष, फिफ्टी थ्री दिया है कि चेक कर लो. ओ मनीष मेरे पुराने नोट्स में था ये क्वेश्चन. अरे मनीष हो कि नहीं तुम, सर 56 दिया है, 56 दिया है क्या, एक ट्रिपलेट सर फर्स्ट टेस्ट सीरीज में तो 53 करेक्ट आंसर था. अच्छा ये दो बार आया था क्या टेस्ट सीरीज में, फर्स्ट टेस्ट सीरीज का 25th क्वेश्चन है. अच्छा आप कौन बोल रहे हो बेटा, वो नहीं दिखा मुझे. क्या विवेक, क्या समय विवेक. चेक कर रहा हूँ सर, मॉड्यूल में इसके जैसा सेम एग्जामिनेशन वर्ड का. एग्जामिनेशन में एक कोई ट्रिपलेट आता है क्या, ट्रिपलेट नहीं, एग्जामिनेशन 11 हो गया. उसका सेम है मॉड्यूल में सॉल्व करके. अच्छा इसका क्या है वो बताओ ना, इसका खुशी का अगला क्वेश्चन. डी इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज रिलेटेड सी, डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी, बी सिस्टर ऑफ डी, डी इज ब्रदर ऑफ बी, D is brother of B. Son of D is grandson of C. बेटा वो उसमें ना वो मिस किया ना उसने, B is dash to C. B is related C, वो मिस कर दिया ना, तो कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है बेटा यहाँ पे, कुछ मिसिंग है, या तो ऊपर की लाइन मिसिंग है या कुछ मिसिंग है. खुशी एक बार चेक करो फिर से भेजो. सर क्वेश्चन राइट है, एक्चुअली मुझे ये पूछना था उसमें आंसर मतलब डी दिया हुआ है तो, लेकिन वो मतलब कुछ मेंशन ही नहीं है कि उसका मतलब भाई है बहन है, तो उससे फर्क पड़ेगा क्या, मुझे वो पूछना था. नहीं वो गड़बड़ है वहाँ पे कुछ तो भी, एक कुछ मिसिंग है एक्चुअली, बी रिलेटेड सी ऐसा कुछ होता ही नहीं ना सेंटेंस.
कुछ छूट रहा है। हाँ गुंजन बेटा आपने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ लेटर्स दैट इंटर नोट कंसोनेंट्स आर टुगेदर इंटरफेरेंस। कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? नो टू कंसोनेंट्स आर टुगेदर, कंसोनेंट साथ में नहीं चाहिए, वॉवेल को बिठा दो, आई ई। बेटा गुंजन यहाँ पे ना क्या हो गया, कंसोनेंट जो है ना वो एन टी आर एफ आर एन सी वॉवेल हो गए, आई ई ई ई, पांच वॉवेल और सात कंसोनेंट, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, है ना? नो टू कंसोनेंट टुगेदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब होगा जब नो टू वॉवेल बोलता तो पॉसिबल होता, या वॉवेल ज्यादा होने चाहिए थे तब पॉसिबल होता। तो गुंजन ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है 101%। ओके बोलो, ओके ओके सर। हाँ नो टू वॉवेल टुगेदर बोलता तो आप कंसोनेंट को बिठाते और वॉवेल के आजू बाजू, मतलब कंसोनेंट बिठा के वॉवेल को उनके इर्द गिर्द बिठा के आंसर निकाल देते। अगला है खुशबू। सपोज योर फ्रेंड डिसाइड गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 5 years, starting from today for the next 5 years, okay, you deposit in my SMA and you receive and get 10% value of this annuity. So beta steps likhe de do, 1 divide by 1.10, pehle 1 m plus hoga, jagah pe ek aunty hai, 4 aunty niche aayegi, equal m plus 4 bar MRC into 10,000, jo aayega wo aapka present value hoga। ओके खुशबू, एक आंटी जगह पे थी ना जीरो वाली और चार आंटियों को अपन नीचे बुलाया, अगला है नयन। नयन बेटा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपीस, फर्स्ट टू टर्म्स का सम दिया 5/3, एस इन्फिनिटी दे दिया आपको 3, कॉमन रेशियो कितना, यहाँ से ए कॉमन 1+r 5/3, ए हो गया 5/3 1+r, ए अपॉन 1-r हो गया 3, ए की वैल्यू 5/3 1+r, ये 1-r इक्वल टू 3, 5/9 1-r² 4/9, ये 2/3 आ रहा है बेटा, ठीक है। नयन स्मृति ने 63 पूछा है, 63rd कहाँ का 63rd, देखो सी प्लस ए माइनस बी बाय बी। हाँ बोलो, मैं पूछना है कि वो ए बी सी डाल के ही चेक करेंगे ना हम, या फिर कोई और तरीके से, मतलब हाँ वैसे ही करो, नहीं एबीसी डाल के मतलब उल्टा करना पड़ेगा ना, अगर एबीसी को एपी माना चेक करो, एबीसी को 1-2-3 डाल के ये एपी आता है क्या, और अगर एबीसी का आंसर जीपी होगा तो उसको 1-2-4 मान के चेक करो कि एबीसी को 1-2-4 पुट किया तो ये जो तीनों टर्म स्क्रीन पे देखे वो एपी आता है कि नहीं, ऐसा कुछ। ओके है ना, हाँ यस थैंक यू सर। ओके सर, अगर दोनों के अरेंजमेंट्स निकालने के लिए बोले हो तो, मतलब क्या बेटा, मतलब एपी भी बोला है निकालने के लिए और जीपी भी बोला है, दोनों निकालने कैसे बोलेगा, लेकिन सर आया था क्वेश्चन, देखता हूँ मैं। देखो देखो पिया आपने क्या पूछा है, n men and n women are to be seated in a row so that no two women sit together if m greater than n, men ज्यादा है। देव आप बेटा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ। हाँ सॉरी सर, कोई बात नहीं। In which they can be seated is, बेटा men है आपके m, वुमेन है एन, नो टू वुमेन सिट टुगेदर, मान लो ये 10 होता और ये 6 होता तो आप क्या करते, छोटा नंबर देते, ये 5 होता और ये 3 होता तो आप 5 मेन को बिठा देते और इनके आजू बाजू 6 जगह पे आप 3 वुमेन को अरेंज करते और 5 आदमी का 5 factorial, बस 5 के आजू बाजू 6 जगह होती है। अब मेन एम है तो एम प्लस 1 जगह 3 वुमेन, कितनी एन को बिठाना है, इतनी एम प्लस 1 जगह पे एन वुमेन बिठाएंगे इनटू मेन का एम फैक्टोरियल, ये हो गया बेटा पी आपका आंसर। बढ़िया ना एकदम, लेकिन मैच नहीं हुआ क्या कहीं, आगे ओपन करके बताओ कि जम गया सर, वो ऑप्शन नंबर 1 था उसका आंसर ए, तो
तो इसको ओपन करूं कि आप कर देंगे ऐसा पूछ रहा हूं? सर कर दो ना। तो क्या m plus 1 factorial m plus 1 minus n factorial n factorial m factorial ऊपर का मैच हो गया। अरेंजमेंट है ना यहाँ पे p आएगा बेटा, p आएगा तो ये नीचे वाला ये नहीं आएगा, हो गया मैच बेटा ये दो, ठीक है? क्या है बेटा आपका पीए का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मोर देन नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, वोटर कैन वोट इन 250 डिफरेंट विल फाइंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। दो चीज नहीं दी सर, election number candidates more than the number to be elected, candidates ज़्यादा है elect कम को करना है तो बेटा option में ही करना पड़ेगा। eight sir n into n plus 1 is equals to 254 ऐसा आएगा क्या? नहीं वो n minus 1 है कि n minus 2 है कि n minus 3 वो नहीं पता ना सर, उसमें बोला है 1 ज़्यादा है मतलब plus हुआ ना शायद। one का बोला, अच्छा वन मोर बोला क्या? हाँ मैंने वो नहीं देखा, वन मोर बोला है बराबर। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज मोर देन नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, वोटर कैन वोट इन 254 डिफरेंट वेज। तो अगर आठ कैंडिडेट होंगे तो आठ में से कितने सिलेक्ट करने हैं आपको? सात ना? हाँ सर। या 10C9 अब सी मान लो पांच लोग हैं, एक दो को करना है। वोटर कैन वोट इन 254 डिफरेंट वेज, इसका मीनिंग क्या हो गया? सर यहाँ पे हम ऑप्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे 8C7 प्लस 8C6 क्योंकि कितने भी कर सकता वो, प्लस 8C5 से लेके 8C1 तक, सॉरी 8C0 तक। हाँ बराबर बोल रहे हो आप, तो किसी में आंसर आ रहा है क्या? सर उससे ये फर्स्ट वाला भी डाल के देखो तो टेंटेटिव आइडिया आ जाएगा कौन सा ऑप्शन से। मेहनत करनी पड़ेगी ना सर। 8 में आ रहा है, 8 में आ रहा है क्या? कितना है देखो, 1 + 8 + 28 6 7 8 6 56 5 6 7 8 5 6 7 5 2 70 कितना आ रहा है इसका टोटल देखो, 36 और 56। 8C0 नहीं करेंगे ना, कम से कम एक मेंबर इलेक्ट होना चाहिए ना। हाँ एक को तो करना है, 8C0 नहीं आएगा, सही बोला आपने सर। 254 आता है बस। आ गया? हाँ सर 254 आता है यार। 92 184 70 254 बराबर, ठीक है पिया। तो आठ मेंबर है आपको, एक कम तक के करना है तो एक को करेंगे या दो को या तीन को, सात तक के। नोटा नहीं था ये जब के क्वेश्चन है तब, इसलिए 8C0 नहीं आएगा। और क्या है आपका? एक सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ इनफिनिट जीपी इज 15, ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ इनफिनिट जीपी इज 15 एंड ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, ईच टर्म इज इक्वल सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज फॉलोइंग इट।
तो इसका फर्स्ट टर्म अगर ए है तो आधा आधा एग्जैक्ट हो गया, पॉसिबल है क्या? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार पढ़ने दो. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी 15, ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट. तो 8 अपॉन हाफ कैसे करते थे अपन? अगर ये सीरीज 8 4 2 1 तो a अपॉन 1 माइनस 16 बराबर. तो सम ऑफ द सीरीज इज पहले का डबल 2a, ऐसा कुछ. तो पहले का डबल आना चाहिए 2a. आंसर तो हो गया, निकालना कैसे? सर इसमें जीपी की सीरीज लेके करे तो? नहीं, जीपी की सीरीज लेके नहीं होता, अलग अलग सीरीज बनेगी ना. एक्चुअली कॉमन रेशियो हाफ होगा ये श्योर है. अगर सम 20 है तो 10 से बनाओ, 10 5 ढाई एंड सो ऑन. ऐसा इक्वेशन डाल सकते कि a इज इक्वल्स टू ए आर से आगे की पूरी सीरीज, मतलब इनफिनाइट तक. तो फिर इक्वेशन बन जाता. एक मिनट बेटा, ये आंसर तो 20 है बेटा इसका, ठीक है? और सीरीज 10 5 2.5 एंड सो ऑन है. देखो पहले दो का सम 15 भी है. क्या बोल रहे थे गौरव, तुम बोलो एक बार. सर वहां जैसे हम ऐसा लिख सकते कि a फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए आर बाय 1 माइनस आर, मतलब इनफाइनाइट सीरीज आफ्टर द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म से जो चालू होगी. नहीं सर, ऊपर न्यूमरेटर में ए आर आएगा क्योंकि हम सेकेंड टर्म से इनफाइनाइट तक अगर जा रहे थे. तो उसको क्या लिखेंगे अपन? इज इक्वल्स टू ए, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ऐसा. हाँ सर कर सकते हैं. आ रहा है किससे? आना ही चाहिए वैसे तो. R 1 by 2 आया, R 1 by 2, तो उससे A आ जाएगा आपका A plus A by 2 15, A हो गया 15 into 2 by 3 10. तो आपकी सीरीज बन गई यही वाली, ये आपका सम आ गया. बढ़िया बेटा, सही है, गुड. स्मृति आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें? 83 फिर आसमी का क्वेश्चन. स्मृति आपने क्या पूछा है? इस सीरीज में एक नंबर रॉन्ग है, ये अपनी बुक का ही है शायद. देखो तो रॉन्ग नंबर इस सीरीज में निकालना है आपको. into 1 plus 1 into 3 plus 1 into नहीं, ये देखो ऐसा है बेटा, into 1 plus 1 square into 2 plus 2 square into 3 plus 3 square, 39 चाहिए था, ये odd man है, into 4 plus 4 square into 5 plus 5 square and so on. ठीक है स्मृति, next है आसमी का question number. फैमिली में ओल्ड मैन 6 एडल्ट, ओल्ड मैन 6 एडल्ट 4 चाइल्ड, रो में बैठना विद द कंडीशन दैट चिल्ड्रन वुड ऑक्युपाई बोथ द एंड्स एंड नेवर ऑक्युपाई आइदर साइड ऑफ द ओल्ड मैन. बढ़िया क्वेश्चन है. चिल्ड्रन वुड ऑक्युपाई बोथ द एंड्स एंड नेवर ऑक्युपाई आइदर साइड ऑफ द मैन. माइक ऑफ करो बेटा. चिल्ड्रन वुड ऑक्युपाई बोथ द एंड्स एंड नेवर ऑक्युपाई आइदर साइड ऑफ द ओल्ड मैन, यानी ओल्ड मैन के आजू बाजू एडल्ट ही बैठने वाला है तो ही जाके अपना काम बनेगा. तो AOA बनाना पड़ेगा अपने को. चिल्ड्रन वुड ऑक्युपाई बोथ द एंड्स, ओके. चिल्ड्रन कभी ओल्ड मैन के आजू बाजू नहीं तो एडल्ट को बिठा दिया. हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? अब देखो बेटा, सबसे पहले तो कौन से दो चाइल्ड आजू बाजू बैठेंगे? 4C2. कौन से दो एडल्ट आजू बाजू बैठेंगे? 6C2. और फिर दो चाइल्ड को कॉर्नर में फिक्स कर दिया. अब बीच में सबको घुमा दो बस. कितने लोग हो गए? 3 को छोड़ के 11 में से 8 और एक 9 पैकेट. 9 पैकेट का आंसर
दो साइड फिक्स कर दिया ना, तो उसको 4p2 पकड़ देते सीधा सीधा, दो चाइल्ड का 4p2 इनटू दो एडल्ट का 6p2 इनटू, अब सात बीच में आ गए तो वो लोग 7 फैक्टोरियल वेज में अंदर के अंदर घूमेंगे, तो 4p2 होता है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 4 7 गड़बड़ क्या, ये भी मैंने भेजा था किसी को बना के बढ़िया। सर वो आपस में भी 3 फैक्टोरियल वेज में घूम सकते हैं? नहीं ना, नहीं घूम सकते क्योंकि ओल्डमैन के आजू बाजू बच्चे नहीं आने चाहिए। सर 2 फैक्टोरियल में जो दो अडल्ट हमने चूज किए वो तो 6p2 में गिन दिया ना मैंने, 6p2 किया उसी में आ गया वो काउंट। सर आपने एक बार ना कॉम्बिनेशंस के थ्रू ये बताया। हाँ तो 6p2 into 2 फैक्टोरियल करोगे ना आप तो वो बात वही हो जाएगी ना उसकी, 6p2 कर दिया मैंने। और फिर बीच में दो चाइल्ड को छोड़ दिया, नौ लोग बच गए, नौ में से 7 पैकेट्स हो गए ना, 6 और 1 7 पैकेट बराबर 2 4 2 6 1 पैकेट 7 पैकेट। ये मैंने क्लास में ही बताया था, मुझे ध्यान तो आ रहा है, क्लास में बताया था ना गौरव सर, वो टेस्ट में मैंने वो बताया था, टेस्ट में आया था क्या? हाँ सर। आंसर क्या है इसका? ए बी सी डी ए है सर। ए है। Children would occupy both the ends, never occupy either side of the old man. Children old man के आजू बाजू ना आए, कितने सिटी गवर्नमेंट पॉसिबल है तो ओल्ड मैन के आजू बाजू एडल्ट को बिठा दिया। रोनित बताओ बेटा आंसर, ओल्ड मैन के आजू बाजू उसको बिठा दिया। कॉम्बिनेशन से 4c2 किया इनटू टू फैक्टोरियल, वही बात हो गई। बेटा इसका आंसर रोनित तो डी बोल रहा है, मैंने क्लास में डी लिखवाया तो यही आ रहा है वैसे तो आंसर। एक बार चेक करता हूँ मैं, एडल्ट 6 में से 2 चाहिए, 6c2 में 2 एडल्ट से देख किया उनको भी घुमा दिया, 6p2 ही हो गया, बीच में 2 बच्चा 4 एडल्ट 6 7 7 फैक्टोरियल वैसे घूमेंगे, आंसर तो यही है बेटा। ठीक है आसमी, यही आंसर है, रोनित भी बोल रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं क्लास में ने करवाया तो था। क्या बोले बेटा? टेस्ट में वो दिया था क्या ये? हाँ सर, ए ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा था वो। अच्छा नहीं, इसका आंसर डी हो गया। ठीक है ठीक है। हाँ वही मैं चेक कर रहा था इतनी देर से क्योंकि ये तो अपना आ गया था। सर ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। क्या बोले बेटा? मॉड्यूल का क्वेश्चन है और मॉड्यूल में ए दिया है। अच्छा अच्छा बढ़िया, मॉड्यूल में ए दिया है। रोनित आपने भी मॉड्यूल में देखा ना शायद, तुम्हारी अपडेटेड मॉड्यूल होगी तो रोनित तुम्हारी, चेक कर लो एक बार।
सर मॉड्यूल में डी दिया है, डी दिया है ना, अपडेटेड होगा। देव तुम चेक करो बेटा मॉड्यूल में, सॉरी मॉड्यूल में ए दिया है सर, अनअपडेटेड। हाँ तुम्हारी पुरानी होगी मॉड्यूल, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर। हाँ हाँ बेटा ये कैसे डिविजिबल है ये पूछा है गौतम का क्वेश्चन, किससे डिवाइड होता है ये तो देखो, ये हो जाएगा 5 का पावर 16, 5 का पावर 3 इंटू 5 15, 5 का पावर 15 कॉमन 5 प्लस 1, तो ये बेसिकली डिवाइड होता है 5 और 6 दोनों से, 5 ऑप्शन में नहीं है, 6 से डिवाइड होता है ये, ठीक है लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल का, व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट सेम रेट फॉर 6 साल एंड एट फॉर ईयर सबसिक्वेंट टू 9th ईयर। तो बेटा 6 और 9 का 2:3 पकड़ना, ऐसा नहीं पकड़ना था, 6 अपॉन सबसिक्वेंट टू 9th, इन्हें 10वां साल होता है, 10वें के 9वें के बाद वाला 10वां साल, जानबूझ के ऐसा दिया था मैंने, 3/5 आंसर। ठीक है विशाल, आई होप बहुत लोगों ने सही किया होगा ये, 6th टू सबसिक्वेंट टू 9th किया था ना बेटा, किसी ने किया था सही इसका आंसर? हेलो किसी ने सही किया था क्या? हेलो, वो जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो किया था ना सही, 6वां टू सबसिक्वेंट टू 9th ऐसा? यस सर। हाँ देव आपने क्वेश्चन भेजे, इसमें का कौन सा बताना है आपको? 8वां क्वेश्चन, 5 मैंगो की कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंज। हाँ 8वां मैंगो इज 4 ऑरेंज, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ 2 मैंगोस एंड 10 ऑरेंज इक्वल टू 22.5, फाइंड कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज। बेटा मैंगो की जगह 4 ऑरेंज पुट कर दो, ये हो गया 8 ऑरेंज, 10 ऑरेंज, 18 ऑरेंज, ऑरेंज हो गया 22.5 डिवाइड बाय 18, कितना आता 22.5 डिवाइड बाय 18? 1/2, तो 2 का कॉस्ट हो गया 2 × 1/2 ₹2.5। ठीक है बेटा सर, फिर से वो थोड़ा लैगिंग इशू हो रहा है ना, इस वजह से फॉलो नहीं कर पा रहा। 5 मैंगो 20 ऑरेंज के बराबर है, तो 1 मैंगो 4 ऑरेंज हो गया। अब ये स्टेटमेंट में मैंगो की जगह मैंने 4 ऑरेंज पुट किया, 4 × 8 ऑरेंज प्लस 10 ऑरेंज 18 ऑरेंज हो गया, जो कि 22.5, तो ऑरेंज 1/2 रुपए का हो गया, तो 2 ऑरेंज ₹2.5 के। ओके ठीक है सर। सिद्धि मैन, A man borrows 4,000 from a bank, 10% interest and end of 1500 as part of repayment of loan and interest. How much still 3 such installments? So, beta Siddhi, aap ye karo. 4,000 plus 10% minus 1500. Plus 10% minus 1500 plus 10% minus 1500. Aapka answer mil jayega. Samjha beta? 1500 de diya. Jo bacha plus 10%. माइनस 1500 इक्वल टू प्लस 10% माइनस 1500 इक्वल टू 359 बेटा, 359 इसका आंसर है। ठीक है किसने लिखा कि सर? हेलो सर लिखा। हाँ बेटा बोलो सर, ये वाले क्वेश्चन में सबको पीछे लाके कंपेयर करें तो अलग आ रहा था आंसर? नहीं वही आएगा, अलग आ ही नहीं सकता बेटा। एक मिनट, अब स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई।
मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्या? बहुत सारे डाउट्स तो आ ही गए इसमें ऑलरेडी. यस देव, आपने क्या पूछा है? एक बार ना मैं 33rd देव ना, ये देखो एबीसी एपी में दिया है, एक्स वाई जेड जीपी में दिया है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है आपको. तो एबीसी एपी है बेटा 1-2-3 मानो, एक्स वाई जेड जीपी है 1-2-4 मानो, राइट साइड में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है देव, करके बताओ कि कर लोगे? नहीं सर, वो मैं वही पूछ रहा था कि ऐसे दो भी आते हैं ना, एपी भी आया जीपी भी आया. कर सकते हैं ना. ठीक है, और किसका क्या डाउट है बताइए बेटा, किसी का कुछ डाउट बोलिए फटाफट. हो गया सबके? रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं?